कल भैया संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की हमारी बात हुई थी, तो संस्कृति को जैसा मैं समझ पाया कि व्यवस्था में जीने की पूर्व तैयारी के रूप में संस्कृति को देखना है। तो जो भी कार्यक्रम और त्यौहार हमारे परिवारों में होते हैं और समाज में होते हैं, तो उससे बच्चे से लेकर के बड़े तक उनकी पूर्व तैयारी हो जाती है, जब तक वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं और स्वधन स्वनारी स्वपुरुष में जीने के लिए तैयारी है एक्चुअली में, ऐसा देखने को समझ में आ रहा है। सभ्यता को हमने देखा कि जो भी हमारी प्रैक्टिसेस रहती हैं परिवार में भी और समाज में भी, उनको बच्चा खुद एडॉप्ट करता है और उसको रिपीटेडली करता है, और रोज रोज जो करने वाली चीजें हैं वो सभ्यता वाला पार्ट हो गया। विधि विधि को रिटन लॉ के रूप में देख सकते हैं, और एक दूसरी बात है कि सहअस्तित्व ही विधि है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो विधि हो गई, और व्यवस्था जो हमारे पांचों आयाम होंगे, शिक्षा स्वास्थ्य और न्याय, न्याय सुरक्षा, विनिमय कोष, उत्पादन, ये जो है व्यवस्था का पार्ट हो गया, इस तरीके से समझे। और स्वधन वाले मामले में जो एक बात हो रही थी कि भाई विचार के बदले विचार का मूल्य, व्यवहार के बदले व्यवहार का मूल्य, और व्यवसाय के बदले व्यवसाय का मूल्य, तो मेंटेलिटी की बात समझ में आ रही है कि काम की तो कमी नहीं है, मगर श्रम का हमको यदि मानसिकता होगी तो फिर काम की कोई कमी नहीं है। हम कम श्रम में ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी हम बोलते हैं कि काम नहीं, लाभ मानसिकता, लाभ मानसिकता, तो इन मुद्दों पे ध्यान दिया। और जो एक ये समाधि की बात हुई थी, अनुभव की बात हुई थी, तो आदर्शवाद में जिस जहाँ जिसको अनुभव कह रहे हैं, तो उसके बाद में विचार व्यवहार और कार्य का काम नहीं है, तो केवल अनुभव हुआ, विचार व्यवहार और कार्य वो नहीं करता जिसको अनुभव होता है, इस तरीके से प्रतिपादन हो रहा है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे अनुभव के आधार पे विचार व्यवहार और कार्य है, तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। और कोई बात इस और भैया, विचार पे बात हुई थी कि भाषा है तो वो कल्पना तक है, जब उसको जीने में लाएंगे, बातचीत करेंगे या फिर आचरण में लाएंगे तो वो अपने विचार बनेंगे। उसमें एक निश्चित आचरण, उसके लिए निश्चित दिनचर्या, तो उस निश्चित आचरण से हमारा एक स्वयं पे विश्वास भी बनता है, और उस वो पैटर्न से जीवन शरीर को कैसे चलाए उसमें काफ़ी हेल्प होगी, और जीवन का नियंत्रण शरीर पे रहेगा। तो इसके लिए ये निश्चित दिनचर्या और निश्चित आचरण की बात कल विचार तक बनने की, और जो कार्यक्रम बताया कि आपने बताया कि व्यवसाय के मूल्य में व्यवसाय का मतलब व्यवसाय के बदले में व्यवसाय का मूल्य, और विचार के बदले में विचार का मूल्य, श्रम के बदले में श्रम का मूल्य, तो ये उस आचरण से ही विचार तक जुड़ने वाला समझ में आ रहा था। कल संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था अच्छे से समझ आए भैया जी। संस्कृति जो आपने बताया कि जो सारे जितने भी कार्यक्रम परिवार में होते हैं, समाज में होते हैं, शादी है, जन्म संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, इन सब से कुछ सीखने को मिलता है, आने वाली पीढ़ी देखती है। और जैसे शादी के बारे में बताया कि शादी देखते हैं तब हम जो जिनकी नहीं हुई रहती उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा होता है बाद में, तो इस पर ध्यान कभी गया नहीं था, कल फर्स्ट टाइम ऐसा सुना कि इसलिए ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं हमारे परिवार और समाज में। और सभ्यता में वही जो व्यवहार में जो हमारे आता है अपने से बड़ों से जो देखकर बच्चे सीखते हैं और वैसा ही फिर व्यवहार करते हैं, तो सभ्यता बताया आपने। विधि तो सहअस्तित्व है, ये समझ में आया। और व्यवस्था जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम भागीदारी करते हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्था बताया। और श्रम और सेवा जो आपने बताया, तो श्रम उत्पादन करना श्रम है ऐसा हमने कल जाना, और सेवा में शिक्षा में भागीदारी देना, व्यवस्था में भागीदारी, ये सेवा में बताया भैया जी। तो इतना। आपका नाम क्या है? उमा साहू। कहाँ से हैं आप? भिलाई से हूँ भैया जी। नमस्ते दाऊ जी। नमस्ते। कल
कल जो आपने चार विषय पे नियंत्रण का बताया था, तो चार विषय का जो नियंत्रण है वो पहला स्टेप ही लगता है कि उन्हीं से नियंत्रण करेंगे तो वो सामाजिक नियम से होगा, जो स्वधन सोनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार से चारों विषय का नियंत्रण अगर हम उसका पालन करते हैं तो वो दिख जाएगा। लेकिन ऐसा भी लगता है कि जब किसी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करेंगे तो वो नियंत्रण एक दबावश हो भी जाता है, तो वो अभ्यास जरूरी है। तो जैसे मैंने भी देखा कि हम यहाँ पे दोपहर में सो जाते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है, लेकिन जब हम मानव तीर्थ में मैं रहती थी तो वहाँ ऐसा था कि 3 बजे व्यवस्था में भागीदारी करना है, तो वहाँ फिर ऐसा लगता ही नहीं था कि अभी आराम कर लेते या कुछ कर लेते हैं। तो एक लगता है कि जब बड़ी व्यवस्था का दबाव होता है या कुछ करना होता है, कुछ कार्यक्रम होता है, तो फिर इधर ध्यान नहीं जाता है। तो वो एक बड़ा कार्यक्रम में भागीदारी जरूरी है उसके लिए, सोचना परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था कहीं भी। और फिर उसका जब नियंत्रण बताया कि जो मतलब मानव या देव मानव की स्थिति की, उसका फिर लोकेशना तीनों ऐसना उसमें नियंत्रण हो जाएगा जो सामाजिक नियम है उसका, और फिर एक ऐसना बचेगी लोकेशना जिसको देव मानव की स्थिति कह रहे हैं, और जब उसमें भी नियंत्रण हो जाएगा तो फिर प्रामाणिकता उपकार वाला पार्ट आ जाएगा जो दिव्य मानव की स्थिति को बता रहे। तो पहला हम लोग को जो हमारे लिए लगता है वो चार विषय पर नियंत्रण वाला लगता है। अभ्यास कुल मिला के क्या है? चार विषयों को नियंत्रण करने का अभ्यास। क्यों नियंत्रण करना है? नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। तो उसका चेक है, व्यवस्था में भागीदारी किया। और ये भी एक प्रमाण हुआ कि जीवन ने शरीर को नियंत्रित किया। मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, तालियां बजती है, लेकिन जीने में मैं नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या माना जाएगा? जीवन ने शरीर को नियंत्रण नहीं किया। जीवन ज्ञान का मतलब क्या है? तो इसका एक अभ्यास चाहिए। एक दिन में यह अभ्यास नहीं होता है। तो पहले मानसिकता, मानसिकता के बाद एक अभ्यास। यदि 3 पीढ़ी का परिवार है, आप सोच के देखिए, एक पति पत्नी है, वो अकेले रहते हैं, एक पति पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके साथ रहते हैं, एक पति पत्नी है जो माता पिता 3 पीढ़ी के साथ रहते हैं, जहां 3 पीढ़ी वहां अपने आप बहुत सारी भागीदारी है, अपने आप नियंत्रण है। कोई बूढ़ा है तो उसको खाने को सबसे पहले दो, उसका समय निश्चित है। बच्चा है, उसको खाने का समय निश्चित है। तो हमको 3 पीढ़ी के परिवार को सोचकर व्यवस्था को या दिनचर्या को सोचना पड़ेगा। दिनचर्या माने एक नियंत्रित प्रक्रिया। इसमें मन लग जाना जरूरी है। पहले अभ्यास करते हैं, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता, एक आयु में मन लग जाना जरूरी है। ये पूरी जिंदगी इतनी ही है। मन लगने मतलब व्यवस्था में 5 आयाम है, कहीं ना कहीं कम से कम एक आयाम में करो। कम से कम एक नहीं है, बाबा जी कहते हैं कि परिवार व्यवस्था में 3 आयाम होते हैं, तीनों में सक्षम होना ही पड़ेगा, उत्पादन में, विनिमय में और न्याय में। इससे कम में कोई मनुष्य नहीं है। और ये हुआ तो फिर बाकी 2 आयाम स्वास्थ्य संयम और शिक्षा, ये बाद का है। मैं खुद जी नहीं पा रहा हूं और मैं शिक्षा देने गया हूं, माना जाएगा शिक्षा? अभी हम नहीं जी पा रहे हैं और हम शिक्षा देने जा रहे हैं। तो पहला 3 आयाम, उसके बाद ये 2 आयाम। उसके लिए एक हमको दिनचर्या बना के, कार्यक्रम बना के उसको अभ्यास में लाना होगा। ठीक है, तो कल की ये चर्चा थी। एक बड़ी चर्चा है आदर्शवाद का अनुभव और मध्यस्थ दर्शन का अनुभव। कई लोग कह देते हैं कि दोनों एक ही है, परंपरा में है। परंपरा में रिटर्न डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जीने में बहुत सारे लोग जिए, जैसे हम कबीर की बात कर लें, कबीर आखिरी तक व्यवसाय में लगे रहे, करते थे। और भी लोग हैं व्यवसाय किए, उन्होंने परिवार में रहा, बच्चे हुए, लेकिन उन्होंने जो बोला है उसको आप सुनने जाओगे तो वो वही उसका विरोधी कर रहे हैं एक प्रकार से, अद्वैत की बात कर रहे हैं, सहअस्तित्व की बात नहीं कर पाए।
मतलब जीने में बहुत अच्छे लोग जिए। ये सहस्तित्व को द्वैत माने या अद्वैत मानेंगे? ठीक है, वो जो द्वैत है यदि तब माना जाएगा, मतलब वो द्वैत का मतलब है वो जो परिभाषा है उसकी, उस परिभाषा में न ये द्वैत है उसमें इसको शामिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि द्वैत में वो कहते हैं कि ईश्वर भी है प्रकृति भी है, वहां का जो ईश्वर है रहस्यमय है। इस चीज को ये रहस्यमय मानते हैं कि ये खाली जगह को ईश्वर मानते हैं, वो नहीं मानते। वो जिसको ब्रह्म मानते हैं वो ब्रह्म व्यापक है, मध्यस्थ दर्शन भी ब्रह्म को व्यापक मानता है, वो आकाश से भिन्न किसी ब्रह्म को मानते हैं। आप तैतरीय उपनिषद को देखेंगे, बहुत पुराना एक उपनिषद है जिसमें सृष्टि कैसे हुई उसको लिखा गया है। वहां लिखा है कि ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी पैदा हुई। तो ये दो निराकार वस्तुओं को मान रहे हैं, ब्रह्म को और आकाश को, और कह रहे हैं कि पहला निराकार ब्रह्म से दूसरा निराकार आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुई, मतलब कुछ नहीं से कुछ पैदा हुआ। ये दोनों चीजें मध्यस्थ दर्शन नहीं कह रहे, मध्यस्थ दर्शन का आकाश और ब्रह्म दोनों एक ही है और वही व्यापक सत्ता है, ऊर्जा है। ये लोगों का ब्रह्म कहाँ है आकाश से भिन्न, बोले तुमको दिखेगा नहीं। यहां कह रहे हैं हर एक को दिख रहा है, भास हर किसी को हो रहा है, अमानव को भी ब्रह्म भासता है, लिखा है मध्यस्थ दर्शन अनुभव दर्शन पढ़िए। तो अभाव नहीं है, वो हर समय है। तो पहला अंतर कहां से आया, वो व्यापक या ईश्वर किसको कह रहे हैं, दोनों में पर्याप्त भिन्नता है, चाहे द्वैत जाओ चाहे अद्वैत जाओ, चाहे विशिष्ट अद्वैत जाओ चाहे द्वैत अद्वैत जाओ, इसको कोई भी ईश्वर नहीं मान रहा है। दूसरा, उनका ईश्वर करता है, मध्यस्थ दर्शन का ईश्वर करता नहीं है, इसीलिए उनके जब हम पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ईश्वर को कर्ता में लिखा हुआ है। तो अपन जब व्याकरण में भाषा बनाते हैं तो राम ने रावण को मारा, राम के साथ जो ने लगा इसलिए राम करता है। संस्कृत में ऐसा नहीं होता, राम सीधा लिख लिया माने राम ने। अभी हिंदी में या दूसरी भाषाओं में क्या है, दोनों अलग अलग है, राम और ने, है ना। उसमें क्या है, संस्कृत में राम रावणम, हतः राम ने रावणम माने रावण को, अपने आप उस शब्द में आ गया है, हतः माने मारा। अब राम ने रावण को मारा, अब के ने और को हटा दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, रावण ने राम को मारा, पूरा मीनिंग बदल गया, राम ने रावण को मारा, अब ने को और को इंटरचेंज कर दीजिए, या राम और रावण को इंटरचेंज कर दीजिए, रावण को रावण ने राम को मारा, या राम को रावण ने मारा, मीनिंग पूरा बदल गया। संस्कृत में राम रावणम हत, या रावणम राम हत, हत राम रावणम, कुछ भी लिखिए, कुछ भी बदलिए, मीनिंग नहीं बदलेगा। संस्कृत में इस ढंग से बनाया गया, जोड़ के शब्द बनाया गया है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं और अंग्रेजी में पढ़ते हैं, क्या है, टेबल पर चश्मा है, तो हमने टेबल के ऊपर, टेबल के बाद लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखेंगे पहले, प्री पोजिशन, ऑन द टेबल, ऑन पहले आया, टेबल बाद में आया, तो प्री पोजिशन, इसकी पोजिशन इन द टेबल, नीचे हो गया, है ना, अंडर द टेबल, अंडर वाला शब्द नीचे आया, तो वहां पर प्री पोजिशन है, इसकी पोजिशन बताने के लिए पहले बताया जाएगा। हम हिंदी में जो बताते हैं बाद में बताते हैं, है ना, ऐसा, तो उससे कुछ चीजें तय होती है। तो भाषा में देखेंगे तो हर जगह ईश्वर को, ब्रह्म को कर्ता मान के बात किया गया है, बाबा जी ने अधिकरण मान के किया है, अधिकरण कह के किया है, जैसे जल में मछली है, जल है अधिकरण, अब मछली बाहर निकल ही नहीं सकती, तो बाबा जी का जो है इकाइया ब्रह्म में है,
और बताने के लिए डूबा है, भीगा है, गिरा है, कितना भी दूर ले जाओ वो ब्रह्म में ही डूबा रहेगा। उस डूबा रहेगा मतलब चारों तरफ ब्रह्म में, दूर दूर तक। घिरा का मतलब इसकी जो बाउंड्री है ये ब्रह्म ने बनाया हुआ है, ब्रह्म से बना हुआ है, इसको घिरा कह रहे हैं। भीगा का कह रहे हैं इसके अंदर भी घुसा हुआ है। अब यहां बड़ी प्रॉब्लम हो रही है साइंस को, इसके अंदर भी है और ये भी है। तो भीगा हुआ का कंसेप्ट किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है। मान लीजिए अभी ये इसको, इस मोबाइल को मैं ऐसे हिलाऊंगा तो क्या होगा, यहां पर जो हवा के कण है वो डिस्प्लेस होंगे, हटेंगे, उसके कारण आपको हवा महसूस होगी। जैसे हम पंखा चलाते हैं, होता क्या है पंखा, जहां पंखा है वहां हवा के कण नहीं है, जहां ब्लेड है जब इसको घुमाते हैं तो ये हवा को हटा देता है, अपनी जगह बनाता है। ज्यादा तेजी से घुमाते हैं तो ज्यादा तेजी से हवा को हटाता है और हवा हमको महसूस होती है। तो जहां पंखे का ब्लेड होगा वहां पर हवा नहीं होगी, हवा के कण नहीं होंगे। लेकिन व्यापक के साथ ऐसा नहीं है, जहां पंखे का ब्लेड है उसके अंदर भी व्यापक है, उसके बाहर भी व्यापक है, ये इसको हटा नहीं पा रहा, हटा नहीं पा रहा है। उसी को कह रहे हैं कि एक प्रकार से बोल रहे हैं पारगामी है, दूसरे जगह से बोल रहे हैं इकाइयां भीगी, दोनों एक ही शब्द है। इकाइयों की ओर से देखते हैं तो बोल रहे हैं भीगा है, व्यापक की ओर से देख रहे हैं तो बोल रहे हैं व्यापक पारगामी। ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, इकाई को व्यापक हटा भी नहीं पा रहा है, न हटाने की जरूरत है, न इकाई व्यापक को हटा पा रही है, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही जगह पर। ये चीज अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये इसके साथ एक नया कंसेप्ट बाबा जी ने दिया है, ये अभी तक कहीं नहीं, कोई कल्पना ही नहीं। तो इसीलिए द्वैत और अद्वैत और ये सब क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि वो जिस चीज को ब्रह्म कह रहे हैं, व्यापक कह रहे हैं, बाबा जी उसको नहीं कह रहे, या बाबा जी जिसको कह रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन जिसको कह रहा है आकाश को, वो आकाश को ब्रह्म नहीं मानते। इसीलिए दोनों को हम एक साथ जोड़ ही नहीं, उसको कोई मैच ही नहीं। उनका जो ईश्वर है रहस्यमय है, पता नहीं ये कौन सा है, और वो करता भी है, वो सब कंट्रोल कर रहा है, यहां कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर में कर्ता पद नहीं दिया है मध्य दर्शन में, व्यापक के लिए तो वहां का ईश्वर अलग है, यहाँ का ईश्वर अलग है, वहां का ईश्वर प्राप्त व्यक्ति अलग है, वो ऐसे बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ का ईश्वर प्राप्त व्यक्ति खाते समय भी उसको अनुभव हो रहा है, पीते समय भी हो रहा है, चलते समय भी हो रहा है, काम करते समय भी हो रहा है, वहां पर सब बंद करने के बाद अनुभव हो रहा है, फिर वापस उसको छोड़ दे रहा है जीने के लिए। इसीलिए इन दोनों शब्दों को एक साथ सेट नहीं कर सकते, भले ही दोनों शब्द एक ही कह रहे हैं लेकिन उनके मीनिंग भिन्न है। कई लोगों के नाम होते हैं ब्रह्मदेव, ब्रह्म स्वरूप, है ना, ब्रह्म प्रसाद, वो क्या ब्रह्म हो गया? नहीं, वो है तो इकाई ना। तो ये दूसरा बड़ा अंतर है, जहां पर हम चूक जाते हैं, हम सोचते हैं कि परंपरा में है, एक बात और ध्यान रखने की बात है। जब हम पांच आयाम कहते हैं व्यवस्था के, उत्पादन, विनिमय, न्याय और शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें व्यवस्था को बड़ा रखे हैं, उसमें न्याय एक आयाम है। जब हम अखंड समाज की बात करते हैं तो अखंड समाज में हम सात संबंध की बात करते हैं, सात संबंध में एक संबंध व्यवस्था संबंध,
मतलब समाज के अंदर व्यवस्था घुसा पड़ा है या व्यवस्था के अंदर समाज घुसा पड़ा है, इस ढंग से ये ताना बाना बुना हुआ है। कई बार हमको लगता है व्यवस्था बड़ा है समाज छोटा है, क्योंकि उसमें एक आयाम है न्याय सुरक्षा। आप न्याय समाज को देखने जाइए, उसमें सात संबंध में पूरे चीजों को बताया जा रहा है, उस सात संबंध में एक संबंध व्यवस्था संबंध। जैसे मान लीजिए मेरे घर में शादी होती है या कोई फंक्शन होता है, लोगों को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? मेरे घर के जो रिश्तेदार हैं उनको बुलाते हैं, मुझे जो टीचर ने पढ़ाया उनको भी मैं बुला लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट हैं उनको भी बुला लेता हूँ, है ना। हमारे यहाँ का जो ग्राम का सरपंच है उसको भी बुला लेता हूँ, मेरे यहाँ जो ड्राइवर है उसको भी बुला लेते हैं, आना है तेरे को आना है ना, तेरे बिना तो नहीं होगा। वैसे ही जो हमारे जितने क्लोज हैं, जितने व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, साथी सहयोगी, सबको बुला लेता हूँ। यदि मेरे पड़ोसी की यहाँ शादी होती है, वो त्योहार में वही सब लोग आए रहते, वही लोग आ रहे हैं। मेरे घर से कभी मैं चला गया, कभी मेरा भाई चला गया, कभी मेरा बेटा चला गया, उनके घर से भी ऐसे। तो एक हर जगह से एक एक सैंपल आके एक जगह जमा हुआ है और वो हर बार एक ही है। मेरे गुरु को भी बुला लेता हूँ, अपने शिष्यों को भी बुला लेता हूँ, उसको एक जमवाड़ा दिखता है। मेरे भाई के भी गुरु को बुला लेता हूँ, उनके शिष्य को भी बुला लेता हूँ, तो एक पूरा एक भरा हुआ एक ये मिलता है। और हर जगह हर शादी में आप जाओगे, गांव में जो भी प्रोग्राम है वही लोग दिखेंगे। कभी कोई बीमार है तो उसके जगह भाई चला गया, भाई की जगह बेटा चला गया, कभी पत्नी चली गई, कभी बहन चली गई, ऐसा करके अपन पूरा करके रखते, क्योंकि पूरा गाँव तो नहीं आ जाएगा ना, कभी कभी पूरा गांव आता है। तो उतना ही समाज में व्यवस्था समाया हुआ है, व्यवस्था में समाज समाया हुआ है, ये हमको हमेशा बैठना चाहिए। इस जगह बहुत सारी चूक होती है। सात संबंध में एक संबंध साथी सहयोगी संबंध है, एक संबंध व्यवस्था संबंध है। जैसे यहां का ग्राम पंचायत है, पंच है कोई इस इलाके का, है ना, फिर सरपंच है पूरे गांव का, उनको बुला लेते हैं। वैसे यहाँ का कोई व्यवस्थापक, यहाँ का कोई भोजन प्रबंधक, यहाँ का कोई गाड़ी प्रबंधक, वो भी होता है, ये भी व्यवस्था संबंध है। जैसे हमारे यहाँ पाओगे, कुछ बात करोगे किचन का, बोले मेरे से बात नहीं करो भैया, किचन वाला अलग है, उनसे करो, वो तय करेगा। कहीं जाना आना है, रुकना है, रुकना है के लिए, जैसे मान लो मेरे पास कोई मैसेज दिया कि आज हम आ रहे हैं या हम आना चाहते हैं, कब आ जाए, तो हमारे जो ये देखते हैं गेस्ट, भाई हमारे पास रहने की जगह है कि नहीं, तो एक टीम है जो देखती है, वहाँ हम बात करते हैं कि भैया बताओ क्या है सीट अवेलेबिलिटी, बोलता है हाँ है ना है, वो फिक्स हो गया तो वो डेट भर जाता है। तो हमको हर चीज डिस्कस करके करना पड़ता है, हमको ये चाहिए कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, आयु कितनी है, बूढ़ा है तो उसको अलग जगह देना पड़ेगा, युवा है तो उसको कहीं भी डाल दो, बच्चा है तो उसको फिर और ही है। तो इस ढंग से हर कोई अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी लेके चल रहा है, वो भी वहां के व्यवस्थापक। तो एक छोटे गांव में जो होता है लगभग हमारे यहाँ हो गया, या एक बड़े परिवार में जो होता है वो हो गया। तो हम अब जब जीने की जगह बनाते हैं तो एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, दिनचर्या बनाना पड़ता है। जैसे हमारे पास स्कूल है, बच्चे स्कूल जाएंगे, 9 बजे स्कूल किए हैं हम, 9 बजे स्कूल है तो उनको 8:30 बजे निकलना पड़ेगा, 8:30 तक नाश्ता होना पड़ेगा, मैंने 8 बजे नाश्ता तैयार होना पड़ेगा। तो बैक कैलकुलेशन करके 8 नाश्ते का समय 8 रखे, सो के उठ के सीधा किचन में न घुस जाए, उसके लिए सुबह व्यायाम करने का हमने एक आधा घंटा व्यायाम करना है, व्यायाम करने के बाद एक एक घंटा हमने श्रम जोड़ा है बच्चों के लिए, कुछ बच्चों को सुबह देते हैं, कुछ को शाम देते हैं,
इस महीने इन्होंने सुबह किया तो अगले महीने वो शाम को करेंगे, ताकि जो बाथरूम है उसका भी ठीक मैनेजमेंट हो जाए। एक ही समय सब नहाने जाएंगे तो मुश्किल है ना, तो जब तक वो आएंगे तब तक इनको तैयार होकर रहना है। अपने आप एक प्रेशर है, जो घर में रहेंगे वो झाड़ू पोछा करेंगे सुबह, कुछ लोग शाम को करेंगे, अगले महीने वो सुबह करेंगे। इस ढंग से एक प्रकार का सिस्टम, एक दिनचर्या बनती है, हर घर की बनती है, परिवार समूह की बनेगी, ग्राम की बनेगी, जिसके भी बनेगी, एक दिनचर्या हम बनाते हैं। हम 9 बजे से स्कूल क्यों करते हैं? हमारे टीचर हैं, जिनके बच्चे हैं उनको खाना बना के आना पड़ता है, घर में लोग, तो हम उनको ध्यान में रख के 9 बजे से की। तो एक नया दिनचर्या, नया कार्यक्रम हर जगह हम जाते हैं तो सोचना पड़ता है। अब घर में कोई कभी भी उठ रहा है तो काम नहीं होता है, घर में उठने का समय हो गया, पानी पीने का, खाना खाने का, नाश्ता का, चाय का, जो भी है वो समय बन गया, पढ़ने का भी समय बन गया, गेस्ट आने का भी समय हो गया। तो यदि हम दर्शन को समझें तो दर्शन को समझने के बाद मानव के 4 आयाम समझ में आएगा, 5 व्यवस्था के आयाम समझ में आएगा। हमको व्यवस्था में भागीदारी करना है, उसके लिए हमारी एक दिनचर्या होगी, वह कहाँ से तय होगी? बड़ी व्यवस्था। हमारे यहाँ सारे स्कूल कॉलेज सुबह खुलते हैं, बैंक सुबह खुलता है, सरकारी ऑफिस सुबह खुलते हैं, तो हमको सरकारी, अब हम रात को जगेंगे दिन में सोएंगे हम नहीं बना सकते, क्यों? सरकारी ऑफिस सब बंद हो जाएगा, हमको जाना आना पड़ता है, तो हमको सरकारी ऑफिस के साथ तालमेल बनाना पड़ता है। संडे को छुट्टी है तो हमको भी संडे को छुट्टी रखना पड़ता है, ऐसा नहीं चलेगा कि हम मंडे छुट्टी दे दें। तो बड़ी व्यवस्था के साथ छोटी व्यवस्था को मैच करना पड़ता है। तो अब क्या है, हम बच्चों को भी समझाते हैं कि भैया ये दिनचर्या क्यों रखें, आप ही बताओ इसमें क्या चेंज हो सकता है। 8 बजे नाश्ता होगा कि 8:15 बजे? 15 मिनट में खा लेंगे, 7:30 बजे हो जाएगा, खाने के बाद फिर करोगे क्या? खाने के बाद क्या करोगे? 15 मिनट का स्लॉट किसी काम में नहीं आता है। तो ऐसे करके हमने पूरे समय को बांट के उनके साथ चर्चा किया, उनको भी समझ में आता है कि हाँ यही होना चाहिए। ये होना चाहिए, इसमें जीने का मन बनाओ, अभ्यास करो। नहीं कर पाते तो उनका नाम लिखा जाता है, आज कौन व्यायाम में नहीं आया, और असेंबली में रोज हर सप्ताह की हाजिरी बताई जाती है, कौन कौन नहीं आया, क्यों नहीं आ पाए। एक बार दो बार सफाई देते हैं, धीरे धीरे उनको ही खराब लगता है ना? तो जो एक पीयर प्रेशर कहते हैं वो पढ़ने लगता है, वो उसको तैयार करता है। अब अपने आप हम समय का सदुपयोग सीख गए। अब छोटे छोटे स्लॉट बचे, उन स्लॉट में फिर कैसे उपयोग करना है उसको कर रहे हैं। तो ये दिनचर्या का पूरा भाग हुआ, ये जीना है। हम दूसरी जगह कहीं भी देखेंगे तो वो सोचते हैं कि साधने का 2 घंटे निकाल लो, 4 घंटा निकाल लो, 3 घंटा निकाल लो, 12 घंटा निकाल लो। अब चूंकि हमारा 6 बजे से अभी व्यायाम हो रहा है तो उसके पहले उसको व्यायाम और कुछ निकालना है तो पहले उठ के पढ़ लो, रात को 8 बजे सब बंद हो जाता है, 8 के बाद पढ़ो। तो जब ही जैसे ठंडी है तो सुबह 6 से शाम को 8 तक का प्रोग्राम, माने 14 घंटे, उसके बाद 10 घंटा उनको मिल रहा है। गर्मी आएगी ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 8 को हम 8:30 करेंगे, सुबह हम 5:15 बजे से व्यायाम करते हैं, अभी सूर्योदय हो रहा है 6:40 को, तो हम
लगभग आधा घंटा पहले व्यायाम करते हैं, कुछ समय के बाद 6:30 हो जाएगा, फिर 6:15 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 21 मार्च को 6 हो जाएगा। तो हम सूर्योदय के हिसाब से व्यायाम के समय को आगे पीछे करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डे लाइट का हम उपयोग करें, ईंधन भी बचा और सूर्योदय के पहले उठने से थोड़ा सुस्ती कम रहती है, चुस्ती ज्यादा आती है। जितना सूर्योदय के बाद उठो उतना ज्यादा हमको तकलीफ है। स्वास्थ्य के नियम में एक नियम है, तो एक ऐसा करके नियम बना ली। अब आपने दर्शन को समझ लिया, उसके आधार पर एक जीवन शैली को आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। कहां पर आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, आपको मानव तीर्थ वाला फॉलो नहीं करना है। जहां पर आप हैं वहां के बारे में आप सोचिए, आप उस घर में उसकी व्यवस्था बना लीजिए। जैसे स्कूल के बच्चे, उनकी 3 गोष्ठियां होती है वीक में, स्कूल के बच्चे। एक गोष्ठी अपने हॉस्टल वालों के साथ होती है कि हॉस्टल में हमको कैसा व्यवहार है, क्या मैनेजमेंट है, क्या सफाई है, क्या है करना है। एक स्कूल वालों के साथ होती है, ये जो वीकली एक गोष्ठी होती है उसको बनाए रखने के लिए। तीसरा, वो अलग अलग और टीम में है, उत्पादन में, इसमें, उसमें, उनके साथ एक गोष्ठी होती है। तो उनके 3 गोष्ठी है वीक में। सोचो ना कितना ज्यादा उनके अंदर चीजें आ रही है, सोच रहे हैं वो। स्कूल के साथ भी है और वो भी। तो धीरे धीरे उनका स्ट्रक्चर बनता जा रहा है कि ऐसा ही क्यों जीना है, ये समय ही क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा। सबसे ज्यादा तकलीफ है सुबह सोके उठने में, मैक्सिमम यदि कष्ट। ये हमारा बनाया हुआ है, 2 पीढ़ी पहले ऐसा नहीं था। एक भी आदमी सुबह 4-5 से पहले बाद में सोते हुए नहीं दिखता था। आप तो देखे ही होंगे ना, पूरा गांव ऐसी था। अभी बड़ी व्यवस्था के हिसाब से 10 बजे सरकारी ऑफिस खुलते हैं, 11 बजे खुलते हैं, 10 बजे खुलते हैं। यदि 7 बजे खुलने लगे तो सब सही हो जाए। लेकिन घर कितने बजे खुलता है? घर में सुबह जो है 5 बजे, 6 बजे चाय पीना पड़ता है, 7 बजे, 8 बजे नाश्ता, उससे लेट कर ही नहीं सकते आप। कई जगह 7 बजे बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। 7 बजे निकल जाएंगे माने बच्चे को 6 बजे से 6:30 मैक्सिमम आपको नाश्ता देना पड़ेगा। जो 6:30 बजे नाश्ता देगा उसको कम से कम 5:30 बजे उठना पड़ेगा। तो बड़ी व्यवस्था के हिसाब से छोटी व्यवस्था सेट होगी और ये 5 आयामों को ध्यान रखेगी। इतना ही जीना है, इसी जीने को स्वधन सोनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य विधि से कर लें, सामाजिक नियम से कर लें, प्राकृतिक नियम से कर लें, बौद्धिक नियम से कर लें। तो पहला हमने इसको सेट कर लिया, तो साथ में देखना पड़ेगा बौद्धिक नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। पतंजलि लिखे हुए हैं, संग्रह द्वेष अविद्या अभिमान अविनिवेश पंच क्लेशा, 5 क्लेश हैं उन्होंने लिखा। संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और अभिनिवेश। अभिनिवेश माने भय, नेगेटिव को रोको, वो बोल रहे हैं। बाबा जी ने उसकी जगह क्या लिखा, पॉजिटिव को स्थापित करो। असंग्रह, संग्रह के जगह असंग्रह, द्वेष के जगह स्नेह, विद्या के जगह अविद्या, के जगह विद्या सरलता और अभय। वो नेगेटिव में बता रहे हैं।
या नेगेटिव को मत करो, पॉजिटिव में क्या करो, संग्रह और असंग्रह। असंग्रह किस चीज को बोल रहे हैं बाबा जी? परंपरा में एक प्रकार का असंग्रह है, वो लंगोटे भी नहीं पहनता है, वो एक लेवल का संग्रह है। एक है जैसे चाणक्य का आप पढ़ोगे, वो एक साल का अनाज रखते थे, एक साल से अधिक अनाज वो रखते ही नहीं थे, क्योंकि उसको ईश्वर पर भरोसा नहीं है अगले साल देगा नहीं करके। तो टॉप ग्रेड का जो गृहस्थ होता था वो एक साल का अनाज रखता था, वो भी असंग्रह। तो दूसरे लेवल का होता था, दो साल का अनाज रखते थे, तीसरे लेवल का तीन साल का संग्रह, उसको भी असंग्रह ही कहते थे। तो टॉप ग्रेड का गृहस्थ असंग्रह एक साल का अनाज रखता था। तो असंग्रह के कई मॉडल मिलेंगे, संग्रह और असंग्रह किसको बोलेंगे, तो वहां ऐसा चला। लेकिन हमारे इसमें जो टॉप ग्रेड का जो आदमी होता था वो सन्यासी होता था। प्रॉब्लम यहां से शुरू हो गई, परिवार में जीने वाला सेकंड ग्रेड का रहा, गृहस्थ हमेशा सेकंड ग्रेड सिटीजन रहा, जो खाना उगाता रहा, खाना खिलाता रहा, पैदा बच्चे पैदा करता रहा, आश्रमों में अपने बच्चे भेजता रहा, वो सेकंड ग्रेड सिटीजन हुआ, और खाने वाला बिना किए वो फर्स्ट ग्रेड सिटीजन रहा। क्या होना था सोचो, मार खाना था, मार खाए ना वैदिक परंपरा में परिवार में जीना अंतिम लक्ष्य नहीं है। परिवार में पैदा होगा, 8 साल तक बच्चा परिवार में रहेगा, फिर गुरु के आश्रम चला जाएगा, 17 साल गुरु के आश्रम में रहेगा, इसके बाद 25 साल और गृहस्थ रहेगा। तो गृहस्थ मतलब कुल मिला के 33 साल, 25 साल इसका और 8 साल बचपने का, 33 जो है वो घर में रह रहा है। उसके बाद वो वानप्रस्थ चला गया, उसके बाद संन्यास चला गया, मरेगा कहाँ पर, जंगल में। मान लो पत्नी के साथ ही चला गया, उसके बाद तो छोड़ेगा ना एक दिन। वही तो आप देखो ना, जैसे ऋषि हैं वो आश्रम में रह रहे हैं, है ना, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, अब उनको क्या मानोगे आप, वानप्रस्थ में है कि संन्यास में? मान लो संन्यास है तो पत्नी के साथ क्यों रह रहा है? तो संन्यास, या फिर उन्होंने वेद को नहीं माना? यदि वो संन्यास नहीं लिए माने, वेद के को नहीं मान रहे, तो फिर भी वहां पर कुछ समय हमने माना है परिवार में रहने के लिए। इसके बाद आदि शंकराचार्य ने संन्यास को युवावस्था में स्वीकार दिया। वैसे बुद्ध और महावीर ही हैं जो युवावस्था में संन्यास लिए, ये सब वैदिक परंपरा में पैदा हुए थे। बुद्ध और महावीर कोई बाहर से नहीं टपके हैं, उनके माता पिता यही थे, है ना, ये राजा है। और इसके बाद इन्होंने युवावस्था में संन्यास परंपरा को लाया। आदि शंकराचार्य ने भी उसी का समर्थन किया और युवावस्था में ही संन्यास हो गया। इसका फल क्या हुआ, 200 साल के बाद, 300 साल के बाद दिखा उसका फल। उसको मैच्योर होने में, समाज में एक्सेप्ट होने में 300-400 साल लगे,
एक समय ऐसा आया कि सारे प्रतिभाशाली जो हैं युवा अवस्था में घर छोड़ के जंगल चले गए, तो खेती जो है नीचे जाने लगी, औषधि का जो प्रयोग है वो नीचे जाने लगा, हर जगह प्रतिभाशाली लोग घर छोड़ के चले गए टॉप ग्रेड का। इसका फल क्या हुआ, विदेशी आक्रमण हुए, लोगों ने हमको पीटा, पूरा डाउनफॉल है उसके बाद। मान लो शंकराचार्य को 8वीं सदी मानते हैं, 8वीं सदी आया, 12वीं सदी में जो है 12वीं या 13वीं में ये आ गए, जो तुर्क लोग आ गए, गौरी, उसको 8वीं सदी मानते हैं। हालांकि थोड़ा विवाद है, ये जो पुरी का जो ये है, इनकी जो लाइन मिलती है कहां से हुआ, वो ईसा पूर्व 800 सेंचुरी, उनके गुरुओं की लिस्ट है ना, पहला गुरु कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, वो जो लिस्ट है उसके हिसाब से वो ईसा पूर्व 8वीं सदी है। तो ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं। पर मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है, हमेशा परिवार व्यवस्था में जीना है, पैदा भी होगा परिवार में, मरेगा भी परिवार, कहीं भाग के नहीं जाना है। थोड़ा भिन्न है, वैदिक परंपरा से भी भिन्न कह रहे हैं और संन्यास परंपरा से भी भिन्न कह रहे हैं। और कम से कम 3 पीढ़ी में जिएगा, कम से कम 3, उससे ज्यादा हो सकता है, मनुष्य 4-5 पीढ़ी तक भी है, कहीं 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 6वां पीढ़ी भी हो गया है। मैं एक परिवार को जानता हूं, वहां 6वां पीढ़ी हो गया था। जो सीनियर थे वो लगभग 100 के हो गए थे, और इन लोग का पहले जल्दी विवाह हो जाता था, तो 20-20 साल में एक पीढ़ी आ गई। पांचवा था शायद या 6वां, बहुत याद नहीं आ रहा है। तो ये बच्चों के अंदर शुरू से होना चाहिए कि हमको दादा के साथ जीना है और दादाजी की और दादी की सेवा करना है, ये शुरू में ही चाहिए मानसिकता में। अभी मानसिकता में एक लड़की को ये बताया जाता है कि बेटा तेरी वहां शादी करेंगे जहां इकलौता लड़का है, क्योंकि घर में झगड़ा ना हो। वो बिल्कुल तैयार होके जाती है, मान लो मिल भी जाता है तो फिर उसको बोलती कि चल बुड्ढे को छोड़, चल घर हमारे साथ, वो उनको भी छोड़ के चला आता है, जाओ। ये ट्रेनिंग है, हर घर में ही चर्चा है, हर घर में चर्चा है। माँ बाप बच्चे के कान भरते रहते हैं बचपन से, कोई नहीं बोलता है कि बड़े परिवार में जाओ, पहले बोला जाता था बड़े परिवार में जाना है। सोच बदल गई, हम दो हमारे दो का नारा चला जाए, हम छोटे थे, मतलब बुड्ढों का कोई जगह ही नहीं है। धीरे धीरे वो बुड्ढे हट गए, पहले नारा में आया, फिर विचार में आया, फिर व्यवहार में आ गया। तो ये नारा बनाना पड़ेगा कि 3 पीढ़ी के परिवार व्यवस्था में जीना है, ये नारा है। अभी हमारा जो टैग लाइन है मानव तीर्थ में यही बना है, परिवार व्यवस्था में जीने के लिए अध्ययन और अभ्यास। और हमारे जो भी जो कैंप के जाते हैं उसमें यही आता है, 3 पीढ़ी के परिवार व्यवस्था में जीने के लिए अध्ययन और अभ्यास। बचपन से बच्चे को बोलना पड़ेगा, इतनी पात्रता होनी चाहिए कि आप 3री पीढ़ी के साथ जी लो, आप भाई के साथ जी लो, आप बहन के साथ जी लो, भाई के पत्नी के साथ जी लो, बहन के पति के साथ जी लो। अभी हम जो वहां रहते हैं, हमने एक ये बनाया कि किसी का किसी के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं होना चाहिए, किसी का किसी से दूरी नहीं। तो हम टीम बनाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उसको सबके साथ कहीं भी दोनों की अलग अलग, अब तुम यहाँ तुम रहो, अच्छी बात है, दोस्ती हो गई, एक
तो चीज आप अचीव कर ली, अब दूसरे के साथ करो ये चीज। तो मध्यस्थ दर्शन का जो जीने का जगह है वो क्या है? परिवार व्यवस्था में जीना, मिनिमम, उससे बड़ा परिवार समूह, उससे बड़ा ग्राम समूह। और ये जीने के में सक्षम हो गए माने हमको जागृति हो गई, अनुभव हो गया, उसका टेस्ट यहां पर है। और ये पांचों आयाम में लगा था। और ये पांचों आयाम में लगातार भागीदारी करना है। आयाम की भागीदारी तीन सोपान में तो हो जा रही है, पांचों आयाम में जो भागीदारी होगी तो तृतीय सोपान तक हो जाती है। मतलब तो उसके ऊपर जाने की हर आदमी को जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ऐसे हर आदमी को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए थोड़ा सा हम सोच के देखते हैं अभी। बढ़िया आपने उठाया मुद्दा। मान लीजिए एक गाँव में 1000 व्यक्ति है ना, 5 समितियां हैं, 10 ग्राम परिवार समूह है, तो परिवार का एक प्रतिनिधि करके 100 प्रतिनिधि आए, परिवार समूह के 10 प्रतिनिधि आए, वो ग्राम सभा बनाए, ग्राम सभा का एक प्रमुख हुआ, तो ग्राम व्यवस्था में कितने लोग भागीदारी किए? 10 लोग ही है, उसी में से एक बना मुख्य तो है 10 ही। और 5 समितियां, 1 समिति में 2, 3, 4 लोग, मैंने उदारता पूर्वक मान लिया 5 लोग, 5 × 5 = 25 और 10 = 35, 1000 की आबादी में 35 लोगों को ग्राम की व्यवस्था में भागीदारी का मौका मिल रहा है 3.5% उदारता पूर्वक सोचा, है ना। मान लो किसी व्यक्ति को दोबारा चुन लिया गया, अब 18 साल से वो तो चुना जाएगा 60-70 तक, है ना, 20 टर्म है या 15 टर्म है उसके, या 10 टर्म तो है ही है 50 साल का, है ना, 70 तक जिएगा, तो 10 टर्म है, 10 टर्म में कम से कम कोई एक बार चुना जाएगा, कोई जो अच्छा होगा वो 2 बार चुना जाएगा, जो और अच्छा होगा वो 3 बार चुना जाएगा, कि अच्छे को छोड़ देंगे? अच्छे को चुनेंगे ही ना। तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग 50% लोग 2 बार चुने जाएंगे, कुछ लोग 3 बार चुने जाएंगे। तो यदि आप उस परसेंटेज को देखेंगे तो 2% है। ग्राम जैसी छोटी व्यवस्था में भागीदारी के लिए 2% मौका मिलेगा। माने मैं कलेक्टर बनूंगा और डॉक्टर बनूंगा वो और कम होता है ना, मैं विधायक बनूंगा तो स्कोप ही नहीं है। तो उसके बिना क्या हम तृप्त नहीं हो सकते? मैं ग्राम का यदि प्रधान नहीं बना तो क्या मैं सुखी नहीं हो सकता? तो सभी व्यक्ति सुखी हो सकते हैं, वो उससे भिन्न चीज है। तो व्यवस्था में भागीदारी का मतलब है कि परिवार व्यवस्था में भागीदारी करो, ये 7 संबंधों में भागीदारी करो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे संबंधों में, मतलब सारे पदों में जाना है। और इसके ऊपर जो जाएंगे वो इन्हीं में से चुन के जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो 2 से 3% लोगों को मैक्सिमम भागीदारी का मौका मिलेगा, 100 में 3 लोग। तो 97 क्या करेंगे? 95 मान लेता हूं वो परिवार व्यवस्था में रहेंगे, दूसरे प्रकार से भागीदारी करेंगे, जैसे स्कूल के बच्चों को शिक्षा देना है। एक बहुत बड़ा एक दल चाहिए। एक गांव में 1000 लोग हैं, उसमें 600 लोग युवा हैं, 600 से 700 लोग,
यदि 18 साल से या 15 साल से ऊपर यदि ग्राम में भागीदारी करने योग्य हो गया 65-70 तक, तो कितने लोग होंगे ये? मैं सोचता हूँ कि 700 लोग होंगे। तो 700 लोगों को रोज एक घंटा भी यदि देते हैं तो हम उतना, हमारे पास अवसर नहीं है। इसमें सबसे अधिक समय लगेगा शिक्षा में, बच्चों के साथ समय बिताना। दो तीन बच्चों के साथ मैं बैठा हूं, दो तीन बच्चों के साथ आप, दो तीन बच्चों के साथ आप, थोड़ी देर के बाद हमने बच्चे बदल लिए, थोड़े बड़े होंगे तो 10 बच्चों के साथ, तो और थोड़े बड़े होंगे तो 15 बच्चों के साथ। इसमें सबसे अधिक समय लगेगा शिक्षा में। शिक्षा का एक भाग होगा उत्पादन, जैसे मेरे खेत में आके तीन बच्चे सीख रहे हैं, एक महीना, दो महीना, तीन महीना मेरे यहाँ सीख लिए, दो तीन महीना आपके यहाँ जाके गौशाला सीख लिए, आपके यहाँ जाके कोई इंडस्ट्री सीख लिए, वो सीखते रहेंगे, हर साल आते रहेंगे, हर घर में दो दो बच्चे दूसरे के घरों के आके बैठे रहेंगे, है ना। दो चार घंटे हम खेत में रहते हैं, कोई गौशाला में रहता है, उस समय बच्चे आएंगे सीखेंगे, अपने घर में भी सीख सकते हैं, दूसरे के यहाँ भी जा सकते हैं। तो ये जो पीरियड है 12-14 घंटे का, जो दिन का समय है, उसमें कई घरों के बच्चे हमारे घर में आएंगे। जैसे बाबा जी के गांव में क्या होता था, वेद पढ़ते थे, 3-4 घरों में वेद पढ़ाए जाते थे, तो बाबा जी के घर में दूसरे के बच्चे आते थे, बाबा जी के बच्चे परिवार के बच्चे उस घर में नहीं पढ़ते थे, वो दूसरे के घर में, नियम बना उन्होंने बना के रखा था, सुबह 4 बजे पहुंच जाना है नहा के दूसरे के यहाँ, जिसके यहाँ पढ़ना है उसके यहाँ पढ़ते थे, और सुबह 1-1.5 घंटे का होता था, उसके बाद छुट्टी, जाओ काम करो। और वो चलता था 60 साल की आयु तक, वेद में एक्सपर्ट होने में 60 साल की आयु लग जाती है, 8 साल की आयु से शुरू होता है, 60 वर्ष में लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग थोड़े ज्यादा तेज होते थे तो 50 में, कोई 40 में। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 16 साल में हो गए थे एक्सपर्ट। तो कुछ कम होंगे। तो व्यवस्था में भागीदारी के लिए, वैसे जिसको हम बोलते हैं कि व्यवस्था में पद चाहिए, पद बहुत कम है, और पद में चले गए तो ही अच्छा हुआ ऐसा नहीं। शिक्षा में बहुत बड़ा एक अवसर है, स्वास्थ्य संयम एक बड़ा अवसर है, लोग सीखेंगे, बच्चे आएंगे सीखते रहेंगे, सीखेंगे माने टीम हो गई। वैसे तो इस ढंग से व्यवस्था बनी रहेगी। तीन ये जो कह रहे हैं, मानव, देव मानव और दिव्य मानव कह रहे हैं, तो उसका स्कोप भी मतलब तीन सोपान तक में हो जाएगा ये? हाँ, ऐसा हो सकता है। वही मैक्सिमम जीना गांव तक ही है, गांव से बाहर वाली सभा में कभी कभी जाना होगा, कुछ विनिमय के लिए शायद कुछ लोग रोज जाएंगे, 2-4 लोग हर साल, वो लोग बदल जाएंगे, किसी को 1 साल मौका मिलेगा, किसी को 2 साल मिलेगा, किसी को 3 साल मिलेगा, किसी को 5 साल मिलेगा। तो मैक्सिमम जीना तो गांव के अंदर ही है, गांव या मोहल्ला जो भी है। जो जैसे 10 सोपान व्यवस्था में, तो इसकी ड्यूरेशन पीरियड मतलब कि साल भर के लिए रहेंगे कि एक एक महीने के लिए चुनाव होंगे? तो 5-5 साल के लिए। अच्छा, 5-5 साल के लिए। चार पांच दस जो उस समय बना लो। देखिए ये सब बाबा जी ने पूरा 4 साल का बनाया हुआ है,
जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल में होता है, हमारे यहाँ 5 साल में होता है, उसको 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। देखो लोग उसको सेट कर लो, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ बताइए ना। जैसे एक शब्द आता है ब्रह्मानुभूति, तो ब्रह्म की का अनुभव भी होता है और अनुभूति भी होती है, तो क्या डिफरेंस? अनुभूति और अनुभव दोनों एक ही शब्द है। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, अनुभूति अलग है और अनुभव अलग है, ये भ्रम पैदा कर रहा है। दोनों एक ही शब्द है। पहला, मन वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति चित्त का अनुभव करता है, देखा है कि नहीं आपने? हाँ। मेरा वाक्य नहीं है ये, हाँ, लिखा हुआ है। चित्त बुद्धि का अनुभव करता है, बुद्धि आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा व्यापक में अनुभव करता है। इसका उल्टा लिखा हुआ है, मन शरीर का दर्शन करता है, दृष्टा है, वृत्ति मन का, चित्त वृत्ति का, बुद्धि चित्त का, और आत्मा जो है बुद्धि का। आत्मा का दृष्टा कोई भी नहीं है और मन का अनुभव कोई नहीं कर रहा है। दृष्टा पद किसको बोल रहे हैं? सबको मिला के, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा मिला के अनुभव पद, और दृष्ट अनुभोक्ता और दृष्टा, ये दोनों पांचों मिल के, तो ये पांचों मिल के ही सब कुछ है, क्योंकि पांचों अलग होते नहीं है। तो ब्रह्मानुभूति हो बोलो। अब देखिए, जब आत्मा ब्रह्म में अनुभव कर रहा है उस समय कंपलसरी है कि बुद्धि आत्मा का अनुभव करेगा, बुद्धि के प्रत्यावर्तन के बिना ये होगा नहीं घटना। बुद्धि का प्रत्यावर्तन हो गया मतलब चित्त का हो गया है, उस समय चित्त बुद्धि को अनुभव कर रहा है, वृत्ति चित्त को और मन वृत्ति को। तो जब आत्मा ब्रह्म का अनुभव कर रहा है तो ये चारों ही अनुभव हो रहे हैं, चारों ही प्रत्यावर्तित हो रहे हैं। इसीलिए मन वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति चित्त का, ऐसा लिखा गया है। उस घटना के समय ऐसा होता है। तो जब प्रत्यावर्तन क्रिया शुरू होगी हमारी, तो क्या होगा? पहले मन वृत्ति का में अनुभव करेगा, उसी को लिखा है कि अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन हो जाता है। यदि कोई अपराध नहीं करे, परधन परनारी पर पुरुष और पर पीड़ा नहीं करे, या स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य करे, तो मन जो है वृत्ति में प्रत्यावर्तित हो जाता है। अध्याय 17 में है ये। उस समय जो है निरंतर सुख होने लग गया। वैसे ही वृत्ति फिर चित्त का, चित्त बुद्धि का क्रम से है। तो अभ्यास करना क्या है? अभ्यास करेंगे तो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य का अभ्यास करते ही पहला स्टेप पूरा हो गया, सुख की निरंतरता हो गई। उसके बाद दूसरा स्टेप के लिए प्रयास होगा, उसके पहले नहीं होगा। दूसरा स्टेप के पूरा हुआ, अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, संबंधों का निर्वाह उसके बाद होगा, उसके पहले नहीं होगा। आसक्ति रहित इच्छा उसके बाद होगा, है ना? इसके लिए अध्ययन और संस्कारों का प्रभाव। अध्ययन माने जैसे मैं आपको देखता हूं, मैं आपका एक मूल्यांकन करता हूं, सही किया कि गलत किया है। अभी क्या हो रहा है? जिसका वैल्यू कम है उसका हम हाई वैल्यू मूल्यांकन कर लिए। पैसे का वैल्यू आदमी से ज्यादा है, हीरे का वैल्यू आदमी से ज्यादा है, पदार्थ अवस्था का वैल्यू सबसे ज्यादा मान के बैठे हुए हैं, उससे बाद प्राण अवस्था का। अब उसमें क्या होगा? हमने गलत ही मूल्यांकन किया हुआ है। वैसे जी रहे हैं हम, वैसे ही पूरा बना के रखे हैं पूरा फ्रेम। अभी वैसी सेट है ना, उस सेट को बदलना पड़ेगा। वैसे किसी व्यक्ति को मैं ज्यादा मूल्यांकन देता हूँ, ज्यादा वैल्यू देता हूँ, मेरी ज्यादा हाँ हाँ करता है तो उसको मैं हाई वैल्यू देता हूँ। कोई मेरी गलतियों को कुछ मुझे बताता है, मैं उससे नाराज रहता हूँ, उसका मैं वैल्यू नहीं देता हूँ। यही तो है।
यह है आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन। अब मूल्यांकन में काम होगा, आसक्ति के बिना हम मूल्यांकन कर पाएंगे तब इच्छा का प्रत्यावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये अभ्यास का एक तरीका ये भी है। तो पूरा जो कार्यक्रम सिमट के कहां पर आता है, परिवार व्यवस्था में जीने के लिए हमको सोच विचार व्यवहार बनाना पड़ेगा, अभ्यास बनाना पड़ेगा, दिनचर्या बनाना पड़ेगा। तीन उत्पादन विनिमय न्याय, तीन आयाम कम से कम है। वो परिवार में हम करने लगेंगे, उसके लिए अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। शरीर हमारा सेट नहीं है तो शरीर को साधना पड़ेगा, दो चार साल में अभ्यास हो जाएगा। जी उसी चैप्टर में जो एक बोलते हैं कि पूर्ण जागृत, जागृत, अर्ध जागृत, अल्प जागृत और अजागृत, तो अजागृत में भ्रमित मानव को रखा है जीवावस्था। जीवावस्था उसके पहले वाला सूत्र देखिए, नीचे में लास्ट सूत्र में देखिए, इसी के पहले में। हाँ। रस्यता के उन्मूलन चेतन पक्ष के जागृति पर आधारित है, चेतन पक्ष बौद्धिक से। हाँ। नहीं वो पाठक जीवावस्था अजागृत मानव अल्प जागृत से शुरू होता है। तो तावजी जो अल्प जागृत की परिभाषा लिखते हैं उसमें मतलब चित्त तंत्रित बताते हैं, तो हम कहाँ चित्त से तंत्रित हैं? हर मनुष्य कम से कम आशा कम में मनुष्य होता ही नहीं है। इच्छा का प्रत्यावर्तन वाला भाग होता है, उसमें देखिए लिखा है मन वृत्ति और चित्त तंत्रित हो रहा है, चित्त काम कर रहा है, चित्रण हो रहा है। इसके बाद का जो स्टेप आएगा, इसके बाद चित्त का प्रत्यावर्तन होगा माने बुद्धि भी आ जा रही है। अर्ध विकसित में देखिए बुद्धि भी काम कर रही है, तो सात क्रिया हो गई, मन वृत्ति चित्त के दोनों और बुद्धि का एक, सात क्रिया हुई। उस अवस्था को अर्ध जागृत कहते हैं, परावर्तन वाला, संकल्प वाला। ये सात क्रिया होगी, उसके बाद बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा, तो बुद्धि का आठवां वाला क्रिया चालू हो गया और आत्मा के दोनों चालू हो गए, ये दस। तो जिसको अल्प विकसित कह रहे हैं वो साढ़े चार क्रिया है, जो अर्ध विकसित कह रहे हैं उसमें सात क्रिया है, और जो पूर्ण विकसित है उसमें दस क्रिया है। इसी में एक पेज पलटा के देखिए, कोई जागृत दोनों एक ही चीज है, तो अल्प विकसित में साढ़े चार, अर्ध विकसित में सात और इसमें दस। अजागृत माने जीवावस्था, मानव को अजागृत नहीं बोला, अल्प जागृत से मनुष्य शुरू है। जीवावस्था अजागृत, मानव अल्प जागृत, नहीं नहीं उस दिखाइए, मैं पुस्तक दिखाता हूं, दिखाइए उस पुस्तक को, ये वाला जो नीचे वाला सूत्र है, ये वाला ये रहस्य मुक्ति में, ये जो बौद्धिक विकास पूर्ण जागृत वाला है ना, ये पेज 140 देख लीजिए, लास्ट सूत्र, देखा 140 में लास्ट सूत्र। जीवावस्था में मन शरीर को जीने की आशा पूर्वक जीवंत बनाए रखते हुए वंशानुषंगी विधि से कार्य करता है, अतः इसे अजागृत की संज्ञा है। जीवावस्था में बौद्धिक पक्ष अविकसित रहता है, उस अवस्था में मन शरीर द्वारा नियंत्रित होता है तथा वृत्ति और चित्त उपेक्षित रहते हैं। जीवावस्था में वृत्ति भी काम नहीं कर रहा है, चित्त भी काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर का तो काम कर ही नहीं रहा है, इसको अजागृत बोल रहा है। ठीक है ना, ठीक है भैया। अब 141 में देखिए,
ज्ञानावस्था में बुद्धि तीन अवस्थाओं में परिलक्षित होती है, अल्प विकसित या अल्प जागृत। इसमें लिखा है जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो तो उसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दिशा में मन वृत्ति एवं चित्त तंत्रित होते हैं। माने चित्त का एक ही क्रिया हो रहा है, परावर्तन चित्रण। हाँ, 4:30 है ना। आगे देखिए आत्मबोध रहित संकल्प। संकल्प माने बुद्धि का परावर्तन क्रिया, आत्मबोध माने बुद्धि का प्रत्यावर्तन क्रिया। तो ये कह रहे हैं आत्मबोध रहित संकल्प माने बुद्धि का प्रत्यावर्तन के बिना बुद्धि का परावर्तन हो रहा है। पूर्वक इच्छा विचार आशा की प्रवृत्ति हो तो अर्ध जागृत की संज्ञा है। इस दशा में मन वृत्ति चित्त बुद्धि तंत्रित होते हैं। ये 7 क्रिया हो गई है ना। साक्षात्कार हुआ माने चित्त ने बुद्धि को पहचाना, तो बुद्धि भी काम करने लगी, चित्त भी काम करने लगा। बुद्धि का परावर्तन काम करने लगा, चित्त का प्रत्यावर्तन काम करने लगा, तो 7 हुआ। ये अजागृत मानव का मतलब यहाँ अल्प विकसित या अर्ध जागृत या अल्प जागृत। हाँ, भ्रमित मानव। देखो कई प्रकार से बोला जा रहा है। अजागृत बोला गया है माने अभी जागृत नहीं हुआ है। उसको जब डिफाइन किया गया तो इसी जगह 140 में लास्ट में किया गया है कि जीवावस्था अजागृत मानव, अल्प जागृत, अर्ध जागृत और पूर्ण जागृत। अब देखिए 143 में पहला अनुभूति देखिए। मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है जो मित्र आशाएं हैं। माने मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करेगा, मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय की निर्विरोधता है। ये वाला दूसरा वाला देखिए। वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है, हमेशा दो दो का सेट बनेगा ना, सहस्ते तो है तो मन और वृत्ति का एक सेट बनेगा। पहला वाला बता दिया, दूसरा वृत्ति और चित्त का बना। वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है तब शांति का अनुभव होता है। विचार की पुष्टि चिंतन से ही है, चिंतन से ही प्रक्रिया फल और प्रयोजन का निर्णय है। आगे देखिए जो स्टार में लिखा हुआ है, अतः मन वृत्ति तथा चित्त की एक सूत्रता से, इसका मतलब है अभी बुद्धि शामिल नहीं हुई है ना, केवल मन वृत्ति और चित्त की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशाएं जन्मती है जो प्रक्रिया फल और प्रयोजन का निर्णय करती है, जिसे धर्मपूर्ण विचार संज्ञा है। माने चित्त के प्रत्यावर्तन के पहले ही न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार होना होगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। साक्षात्कार के पहले ही ये बातें आ जाएगी दोनों, न्यायपूर्ण व्यवहार इसी टॉपिक में लिखा हुआ है पूरा, है ना। उसके बाद फिर से बढ़ाया है थोड़ा सा। देखिए चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब संतोष सहज अनुभूति होती है, फलस्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है। उसका टेस्ट दिया हुआ है। ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्याभाव होता है। माने ऐसा व्यक्ति जिसका साक्षात्कार हो रहा है, चित्त का प्रत्यावर्तन हो गया, वो अधिक उत्पादन करेगा, कम उपभोग करेगा और बिल्कुल अपव्यय नहीं करेगा। इसी को फिर से एक बार लिखा है, यही वाला लाइन है ये। मन वृत्ति चित्त और बुद्धि की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार के लिए सत्य प्रतीत होता है। माने ये भी न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा, ये भी धर्मपूर्ण विचार करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सत्य प्रतीत हो रहा है। इसके पहले क्यों करेगा? केवल मान्यतावश अनुकरण अनुसरण पूर्वक
इसके पहले वाले स्टेज में केवल अनुकरण अनुसरण पूर्वक वो न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार करेगा। ये वाला अनुकरण अनुसरण करके यहां तक पहुंच जाएगा कि उसको सत्य प्रतीत होगा, उसके कारण वो करेगा। उसके बाद वाले में देखिए सत्य के अनुभव के कारण करेगा। बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब स्वबोध होता है, यही आत्मबोध है, माने बुद्धि का प्रत्यावर्तन हो रहा है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है, सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। आगे लिखा हुआ है मन वृत्ति चित्त और बुद्धि आत्मानुशासित होने पर न्यायपूर्ण व्यवहार धर्मपूर्ण विचार में सत्यानुभूति सहज सहअस्तित्व प्रतिष्ठित होता है। सेम न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण व्यवहार अनुभव के कारण करेगा। तो पहले न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार मान्यता पूर्वक कर रहा है, उसके बाद सत्य प्रतीत हो रहा है उसलिए कर रहा है, उसके बाद सत्य अनुभव हो रहा है उसलिए कर रहा है। तो अल्प विकसित में ही पूरा मानवीयतापूर्ण आचरण दिखने लगेगा, अर्धविकसित में भी दिखेगा, पूर्ण विकसित मानव में भी दिखेगा, देवमानव में भी दिखेगा, दिव्यों में। तो ये सातों जो हैं, पांचों हमको एक ही जैसा दिखेंगे, हमको माने जो अभी अल्प विकसित है बेचारा, उससे नीचे तो गाय बैल है। तो ये बात क्या कह रहे हैं, ये घूम, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अल्प जागृत अवस्था में ही सोच समझ कर कॉपी करके मानकर कुछ भी करके न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार करना है, तब हमारी गति थोड़ी आगे बढ़ेगी, तब हम अर्ध विकसित होंगे, सत्य प्रतीत होगा, तब भी यही आचरण करेंगे, आचरण नहीं बदलेगा। उसके बाद सत्य अनुभव होगा, तब भी यही आचरण करेंगे, आचरण पक्का हो जाएगा। ये लिख रहे हैं। उसके बाद फिर लिखा है अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन। देखिए ना, अतः अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, माने व्यवस्था का दबाव रहेगा। मान ले तब स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य अपराध, माने परधन परनारी परपुरुष परपीड़ा, इसका एक दबाव रहेगा करने के लिए। किनके लिए दबाव? जो अभी मानना नहीं चाहते, जो मानना चाहते हैं उसके लिए कोई दबाव नहीं है। तो व्यवस्था का दबाव रहेगा। हम लोग गलती से मानते हैं कि व्यवस्था का दबाव नहीं रहेगा, छुट्टा छोड़ दो, एक बच्चे को छुट्टा छोड़ दो तो क्या बनेगा वो? तो उसको पहले देखो बेटा, तुम्हारे माँ पिताजी कर रहे हैं, देखो तुम्हारे भैया कर रहे हैं, तुमको भी करना है, यहां से शुरू होगा। सबको करते देखेगा करेगा, उसको कहीं स्पेस मिलता है, वो अकेला कर ही नहीं पाएगा, अकेला वो खेलेगा, सब खेल रहे हैं उसके साथ के लोग वो कर रहे हैं, वो बेचारा कैसे अकेला रहेगा, वापस आ जाएगा। सब चीज जीवावस्था में दिया गया है। देखो जीवावस्था में अभी केवल मन कार्य कर रहा है, वृत्ति और चित्त कार्य नहीं कर रहा है, उसमें साफ साफ लिखा है ना। और ये वाला पार्ट 78 वाले चीज से ही कंटिन्यूअस लिखा हुआ है भैया। 78 के मानव व्यवहार दर्शन में भी सेम ये वाले लाइन, ये पूरा है अल्प विकसित तब से चला रहा है। उसमें एक शब्द जोड़ा गया है अवधारणा ब्रैकेट करके, देखो भैया चेतना जो शब्द है व्यापक के लिए है, चैतन्य है जीवन के लिए, है ना। बाकी सभी जो पदार्थ हैं, पदार्थ अवस्था में भी वो केवल क्रिया, अब इसको थोड़ा सा भाषा को अब उस भाषा से पूरा व्यक्त नहीं होगा, तो पदार्थ अवस्था में ऊर्जा संपन्नता आया, प्राणावस्था में ऊर्जा संपन्नता रहा ही, इसके बाद
एक स्टेप और कोई क्रिया होगा जिसको अपन स्पंदन कह रहे हैं, श्वसन कह रहे हैं, वो भी ऊर्जा संपन्न, उससे अधिक नहीं। बार बार यही चीज कह रहे हैं कि ये प्राणावस्था पदार्थावस्था से अधिक नहीं है, ये विकसित नहीं है। चैतन्य को विकसित बोला बाबा जी ने, यहां से परंपरा से भिन्न है। परंपरा इसको विकसित मानती, बाबा जी नहीं मानते। परंपरा इसको विकसित मानती, बाबा जी नहीं मानते। जैसे पेड़ पौधों में जीवन होता है, बाबा जी बोलते हैं नहीं होता है। जीवन किसको बोल रहे हैं? वो श्वसन क्रिया को जीवन बोल रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है? वो श्वसन को जीवन कह रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन श्वसन को जीवन नहीं कह रहा है। श्वसन से भिन्न कोई चीज है जिसको वो पहचानते ही नहीं, तो कहते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, ये कहते हैं कि नहीं होता है। एक साधु हमको बुलाए थे, मिलने चला गया। वो बहुत ज्ञान दिया और फाइनली उन्होंने बोला, मध्यस्थ दर्शन में नया कुछ नहीं है, वेद में सब कुछ है। मैं क्या बोलूंगा भैया, मैं तो वेद देखा ही नहीं हूं, मैं क्या बोलूंगा, है ना, मैं जानता ही नहीं। बोलते रहे, थोड़ी देर सुन लिया। उसके बाद मैंने पूछा कि भैया पेड़ पौधों में जीवन होता है, ऐसा मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। हाँ होता है, मतलब मध्यस्थ दर्शन कहता है कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं, ये तो गलत है। मतलब महाराज गलत और सही का फैसला थोड़े देर में कर लेंगे, पहले इस जगह आ जाओ कि दोनों अलग अलग कह रहे हैं, ये वेद नहीं है, वेद से भिन्न कह रहा है। तो उनको एकदम सनाका आ गया। हम अलग ही कह रहे हैं, गलत और सही का फैसला बाद में होगा, पहले ये मानो अलग है, ये गलत है तो गलत, सही तो सही। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक जो बहस शुरू हुई, ये 16th सेंचुरी में एक बहस शुरू हुई है, मतलब शुरू तो और पहले से रही है, 16th सेंचुरी में यूरोप में ये काफी हिट हो गया कि लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग पैदा हुआ कि लिविंग से लिविंग पैदा हुआ, वो बहस चलती रही। फाइनली डार्विन ने इसका उत्तर दिया कि नॉन लिविंग से लिविंग पैदा हुआ, माने पदार्थावस्था से प्राण अवस्था पैदा हुआ। एक भी एविडेंस आज तक नहीं मिला, लेकिन इसको मान लिया गया। एक भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला कि नॉन लिविंग से लिविंग पैदा हुआ, सिंगल एविडेंस। प्राणावस्था से कीड़े मकोड़े बने, उसका एक भी एविडेंस नहीं बना आज तक। कुत्ते से बिल्ली बन गया, या बिल्ली से शेर बन गया, या शेर से आदमी बन गया, बंदर से शेर से बंदर बन गया, बंदर से आदमी, एक भी एविडेंस नहीं, लेकिन इसको मान लिया गया। तो मैं किस इन मंचों में मैं चिल्लाता हूं, बिना एविडेंस के आप कैसे मानते हो? एविडेंस है, लॉजिक है, तो लॉजिक ये भी है, सुनो इसको, इसको काटो। पहले शिक्षा एविडेंस से शुरू हुई थी, जो बाइबल को जो उन्होंने गलत साबित किया गैलीलियो ने, उसके बाद लॉजिक से बात शुरू नहीं हुई। ये जो एविडेंस देकर, प्रमाण देकर उन्होंने किया, एक समय के बाद उनके पास प्रमाण एक भी नहीं है, केवल थ्योरी है, केवल तर्क। तो मैं जहां कहीं बात शुरू करता हूं यही कहता हूं कि भाई एविडेंस है नहीं है, नहीं नहीं है, पहले वहां बैठा देता हूं, फिर इसको भी सुनो भैया, लॉजिक है तो सुनो पहले कम से कम, नहीं तो सुनेगा ही नहीं ना वो। हम दोनों एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, बोलो सुनो उसको, तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, अब तो बात करो। एक भी एविडेंस नहीं है। इनको किनको बोलना पड़ेगा? जो प्रोफेसर है उनके सामने, जो इसको पढ़ा रहे हैं। एविडेंस है नहीं, एविडेंस है नहीं, एविडेंस नहीं, क्यों पढ़ा रहेगा? लॉजिक है यार, इस लॉजिक को भी सुन। तो एक चीज ये जो अभी हम पुस्तक में पढ़े चार लाइन, इसमें भी बार बार वही चीज कह रहे हैं
कि अनुकरण, उसके पहले वाले पेज में भी वही लिखे हैं, अनुकरण और अनुसरण पूर्वक हमको न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित होना है। देखो फिर से इसके पहले वाला पेज, मतलब 141 के बाद 143 में देखिए, अनुकरण तथा अनुसरण, अनुसरण तथा अनुकरण, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण और अनुसरण करना, धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त रहना, इन दोनों कार्यक्रमों की दृढ़ता एवं निष्ठा की अपेक्षा में सत्यानुभूति का अधिकार जागृति पूर्वक प्राप्त होता है। पूरी कहानी कहां पर है? इन दोनों में कितनी ज्यादा दृढ़ता है, कितनी ज्यादा निष्ठा है, उसी को आगे लिखा है। देखिए, उपरोक्त अनुसार जब साधक मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब मन वृत्ति चित्त तथा बुद्धि की क्रियाएं किस प्रकार संपादित होती है, इसका अनुभूति परक वर्णन नीचे दिया गया। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है भैया, कंफ्यूजन इतना ही है कि अनुभव के बाद सारी चीजें ठीक हो जाएगा, इस पर किसी को डाउट नहीं है। अनुभव होगा कैसे? अनुभव कैसे होगा? अनुकरण अनुसरण पूर्वक न्यायपूर्ण व्यवहार धर्मपूर्ण विचार करना है। दूसरी भाषा में व्यवस्था में भागीदारी करना है। पांचों आयाम अनुसरण माने आप कर रहे हैं, मैं कॉपी कर रहा हूं, है ना। अब जैसे अनुकरण माने मैं स्कूल नहीं जाता पर बच्चों को बोलता हूं स्कूल जाओ, मैं करता हुआ दिखता नहीं हूं, मैं कभी किया था, है ना। तो अनुकरण माने अभी हम नहीं कर रहे हैं लेकिन कभी किए। अनुसरण का मतलब एकदम कॉपी करना। तो छोटे बच्चे सबसे अधिक अनुसरण करते हैं, थोड़े बड़े हो जाने के बाद अनुकरण आ जाता है। जैसे हम पूछते थे बाबा जी आप क्या करते थे 22 साल में, 25 साल में, 28 साल में, 30 साल, 40 में, क्योंकि हमारे सामने तो 80 में मिले, हम क्या करें। अब अनुकरण का, अनुसरण का अवसर नहीं, अनुकरण है। तीन शब्द आते हैं जो मतलब सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता, वो मेनर डिफरेंस है, वो भूल जाते हैं। हम दोनों मिलके कुछ काम करेंगे, दो लोग मिलके। एक है कि मेरे घर में कुछ काम है, मैं आपको बोलता हूँ भैया आके मदद करो। दूसरा है आपके घर में काम है, मैं खुद ही चला जाता हूँ भैया मैं मदद करता हूँ। तीसरा हम दोनों मिलके इनकी मदद करते हैं। ये तीन स्टेज, तीन स्टेज होगा ना। आप मेरी मदद करोगे, मैं आपकी करूंगा, और हम दोनों मिलके तीसरे को करेंगे। हम दोनों मिलके तीसरे को कर रहे हैं, उसका नाम है सहकारिता, है ना। मेरे में आप करोगे तो करेंगे सहयोगिता, आपके में मैं करूंगा तो सहभागिता। इसको उल्टा हो जाएगा, मेरे लिए सहयोगिता है, आपके लिए सहभागिता है। कोई चीज, जो चीज आपके लिए सहयोगिता है मेरे लिए वो सहभागिता है। तो घटना तीन ही है, मेरे लिए आप कुछ मदद करोगे, मैं आपके लिए मदद करूंगा, हम दोनों मिलकर तीसरे को मदद करेंगे। हम दोनों जब कर रहे हैं तो उसका नाम है सहकारिता। आप मेरी कर रहे हैं तो आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, तब सहयोगिता, आपने सहयोग किया, और मैं जब आपका करता हूं तो मैंने आपका सहयोग किया, आप, मैं उसमें सहभागी हुआ आपके कार्यक्रम में। तो ये तीन प्रकार की स्थितियां बनती है। क्या चीज? नहीं नहीं हम दोनों ने मिलकर आपकी मदद किया, मदद हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ आपको, तो भी सहकारिता तो हुआ ही ना, तो प्रयास को तो गिनती होगी ना। मैंने अपने बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया अपने, वो सफल नहीं हुआ, क्या माना जाएगा मैंने नहीं किया।
जैसे धीरता, आप मेरे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो भी मैं कर रहा हूं, कभी मेरी बात कर रहे हैं, कभी मेरी झगड़ा कर दे रहे हैं आप, तो भी मैं करता हूं। जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं, बच्चा कभी मारता है, कभी चीखता है, तुमने हमको बहुत तंग किया, सब बोलते रहता है, ठीक है बेटा हमसे गलती हो गई, चलो आगे नहीं करेंगे, चलते रहता है। ये क्या है? ये हमारी धीरता है। एक समय के बाद वो भी हमारे साथ वैसा व्यवहार शुरू कर देता है। माने धीरता में मैं उसके साथ संबंध को पहचानता हूं, वो अभी नहीं पहचानता है। वीरता में मेरे धीरता के कारण उसने मेरे साथ संबंध को पहचान लिया, निर्वाह करने लगा, उसमें धीरता आ गई, मेरे में वीरता आ गई, मैं उसको संबंध में खड़ा कर लिया। पुराना जो वीरता का मतलब था उसको निपटा देना, इस वीरता का मतलब है उसको न्याय में खड़े कर देना, दूसरे को न्याय उपलब्ध करा देना। तो वीरता उसमें आ गई, मेरे में वीरता आ गई, उसमें धीरता आ गई, अब न्याय होने लगा। जोर से बोलो भाई। उपयोगिता पूरकता, उपयोगिता मुख्य रूप से पदार्थावस्था प्राणावस्था पूरकता मुख्य रूप से उपयोग पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था के लिए। पेड़ मर गया तो मिट्टी को खाद बनेगा, गाय मर गया तो मिट्टी को भी खाद बनेगा, पेड़ को भी कुछ बनेगा। पूरकता सब जगह है, वो अनिवार्य स्थिति है, उससे बच नहीं सकते। पूरकता मैं आपके पूरक हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता। तो पूरकता का नाम ही है संबंध। माता और बच्चे में एक अलग प्रकार की पूरकता है, भाई और भाई में अलग प्रकार की पूरकता है, गुरु और शिष्य में अलग प्रकार की पूरकता है, साथी सहयोगी में अलग प्रकार की है, व्यवस्था और में अलग प्रकार। तो पूरकता को ही मानव में 7 भागों में बांट दिए। जिसको अपन पूरकता कह रहे हैं उसी को 7 अलग अलग प्रकार से बांटते हैं, उसी का नाम 7 संबंध है। तो पहला भाग है पूरकता को पहचानना। लोग पहचाने नहीं पा रहे हैं, पड़ोसी का गला दबाने जा रहे हैं, पूरकता को बेचारा पहचाना नहीं है, गला दबा रहा है। पूरकता को पहचानेगा तो भाई साथ में चाय पिएगा, बातचीत करेगा, कुछ एक दूसरे की समृद्धि समाधान के लिए योजना बनाएगा, पहचाने नहीं पाया। तो उपयोगिता और पूरकता ये भाग है। वही मानव इस जो पूरकता को पहचान लिया, तो पदार्थावस्था के साथ मैंने पूरकता को पहचाना, इसका नाम है उपयोगिता। मिट्टी से मैंने घर बना लिया है ना, पत्थर से मैंने टाइल बना लिया, ये है हमने उसका उपयोग किया, कर पाए। मानव मानव में उपयोगिता पूरकता ही होगी। मानव का मनुष्यतर प्रकृति के साथ एक अलग व्यवहार है, जिसको हम व्यवसाय कह रहे हैं। ये जो व्यवसाय है इसका फल केवल समृद्धि है, इसके अलावा कुछ नहीं। मानव का मानव के साथ जो फल है वो मुख्य रूप से मूल्य है। कौन सा मूल्य? समाज मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य। लेकिन किसी न किसी सीमा में वस्तु मूल्य रहता है। जैसे आप मेरे घर में आएंगे, मैं कहूंगा बैठो, तो बैठने के लिए एक आपको कुर्सी दे देता हूँ, पानी पिलाता हूँ, एक गिलास चाहिए मेरे को वहाँ, और पानी भी चाहिए। तो अपने आप भौतिक वस्तु इन्वॉल्व हो गई, बिना भौतिक वस्तु के कोई व्यवहार नहीं है ना। आप आएंगे तो मैं आऊंगा तो कपड़े पहन के जाऊंगा, तो भौतिक वस्तु वहां भी चाहिए ना। घर में वैसे ही कम कपड़े में बैठा हूं, आप आते हैं मैं जल्दी से कपड़े पहन के आ जाता हूं। ये क्या है? व्यवहार को बनाने की। तो मानव मानव के साथ वस्तु इन्वॉल्व है, इसीलिए स्वधन को सामाजिक नियम में रखें, स्वधन को प्राकृतिक नियम में नहीं रखें। आप सोचो ना कितनी बड़ी बात है, एक बार सोच के देखिए। धन माने प्राकृतिक वस्तुओं का सदुपयोग से कुछ बनेगा,
लेकिन उस धन को सामाजिक नियम में रखे, प्राकृतिक नियम में स्वधन नहीं। क्योंकि मेरा वाला हो, आपका वाला छीन ना लूं। जंगल में आप देखेंगे लोगों ने पेड़ बांट लिए, ये 6 पेड़ मेरे, वो 6 पेड़ तेरे। अब मेरे पेड़ का आप नहीं लोगे फल, यदि महुआ गिरा है मेरे पेड़ का तो आप उठाओगे नहीं। यदि उठाना है तो फिर टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स होगी, भाई आधा मेरे को देगा, मेरा खराब हो जा रहा है, होने दे, तेरे को क्या है, मेरा खराब हो रहा है। तो वहां पर इस ढंग से नए टर्म्स ऑफ कंडीशन बनते हैं। ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन से ही स्वधन तय हो रहा है। स्वधन बहुत लंबे अभ्यास के साथ बने हुए नियम है, हजारों सालों में बने। सोनारी स्वपुरुष हजारों सालों में आदमी ने नियम बनाए। जब बोलते हैं कि आप मेरे लिए उपयोगी हुए, तो बोलना गलत होगा, पूरक ही होगा। देखो भैया, एक तो समाज में जो चलन है वो भाषा बोलना पड़ता है। एक बार हमारी एक बहन है महामानव तीर्थ में, मैंने बोला एक कार्टून दे दो, तो बोलते भैया आप कार्टून क्यों बोलते हो, कार्टन बोलो। ठीक है भैया, कार्टन। अमरकंटक गया, दुकानदार से मैं लेता हूँ कार्टन, मुझे जरूरत पड़ती, तो बोला भैया 2 कार्टन दे दो। क्या कार्टून? मैंने कहा हाँ कार्टून, CARTON। कार्टन में एक ओ लगता है, कार्टून में 2 ओ लगता है। आप कितना भी बोलो वो वही बोलेगा। अब उसको मैं भैया सिखाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ, वो तो मेरा और उसका दुकानदार और ग्राहक का संबंध है। गुरु शिष्य का संबंध वहां नहीं है, वहां साथी सहयोगी का संबंध है, वो सुनने को तैयार नहीं। तो हम जहां रहते हैं भैया वो भाषा बोलते। मानव में भी जो जैसे जागृत मानव है और अल्प जागृत मानव, तो उसमें जो आज सहयोग हुआ तो जो नीचे वाला बोलेगा कि पूरक हुआ, वो भी यही बोलेंगे कि पूरक हुआ, ऐसा ही है। हाँ भैया, देखो यहाँ पर हम बहुत चीजों को फिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है इस दर्शन को सुने नहीं है तो उसकी शब्दावली में बात करेंगे, कुछ लोग सुन लिए हैं तो उसकी शब्दावली में बात करेंगे। इसको आप बहुत रिजिड करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। इसको बहुत रिजिड नहीं करना चाहिए। अभ्यास एक बात है, जिन लोग सब अभ्यास हैं उनके बीच में चलेगा। अभी भी बोलते मेरे मन में एक विचार आया, कोई पूछता है मन में विचार आ सकता है क्या? नहीं यार, नहीं आ सकता। मैं ही बोलता हूँ, दूसरे को दोष नहीं दूंगा, है ना। मेरे मन में एक विचार आया, नहीं भैया जीवन में एक विचार आया। मन में विचार आया, पूरक था। भैया मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इस प्रकार के वाक्यों की जरूरत कितने बार है। मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ उन्होंने पानी पिलाया तो आप मेरे पूरक हुए, बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते। धन्यवाद, नहीं बोल सकते। सच बात बोल रहा हूँ कि नहीं? नहीं बोल सकते। शुरू में भैया नई नई आई है तो एक दो बार धन्यवाद बोलो, चल जाएगा। ठीक है। देखो कई चीजें हम मतलब पढ़ते लिखते समय एक अलग भाषा है, लेकिन जब जीने जाओगे कुछ भी नहीं होता। बोल लेना आप। आपको अनुभव नहीं है ना भैया, जो अनुभव संपन्न है उनकी सुनो। कुछ चीजों की जरूरत ही नहीं है। मेरे को तुम कर दोगे क्या ये? अरे यार उसको तो कर, और कौन करेगा, तुम नहीं करोगे तो। भैया जब आप जीने जाते हो ना, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है। जिनको पता नहीं है वो है। जैसे हम दो लोग गहरे दोस्त हैं, कभी कितने बार एक दूसरे को छूते हैं? कभी नहीं छूते।
नए नए से तो हाथ मिलाते हैं, जिनके साथ मैं रोज रहता हूँ, जैसे अंकित और मैं, हम रोज रहते हैं, राम मिलन में रोज रहते हैं, कभी हाथ मिलाते हैं, कभी हाथ नहीं मिलाते है ना, गले मिलते हैं कभी नहीं, तो उसकी जरूरत ही नहीं ना। मतलब मेरे से कोई अंकित भैया पूछेंगे, भैया आप ये करोगे क्या? अरे भैया हम तो तैयार बैठे हैं सुनने के लिए कि बताओ मुझे क्या करना है। तो एक समय तक ये चलता है, एक समय के बाद ये सारी औपचारिकताएं खत्म। अब जैसे मेरे को संकेत भैया को फोन करना है, एक लाइन पूछना है कुछ, तो मैं फोन नहीं करता, फोन करूंगा तो 15 मिनट बात करना पड़ेगा, एक लाइन का मैसेज डालो, काम चल गया भाई। और भी बहुत सारी बात होती रहती है ना, गप चल जाएगा, मैं गप के मूड में नहीं हूं, मेरे काम के दबाव है। उपयोग के परिभाषा में मूल्यानुभूति व उत्पादन के लिए प्रयुक्त नियोजन, तो ये पूरी बात तो वाकई में तीन अवस्था के लिए है, लेकिन ये मूल्यानुभूति व उत्पादन के लिए प्रयुक्त नियोजन में उपयोग आ रहा है, तो उसके मूल में कोई भाव है इसलिए, लेकिन उपयोग बोला ना, जैसे स्वधन है तो प्राकृतिक वस्तुओं का, लेकिन उसको हम सामाजिक नियम में रखें, यदि नहीं रखते तो प्राकृतिक और सामाजिक नियम का कहीं योग भी नहीं होगा। प्राकृतिक नियम अलग है, सामाजिक नियम अलग है, बौद्धिक नियम अलग है, ये सब इंटरलिंक्ड होना पड़ेगा। इंटरलिंक हर चीज मिलेगा जो दोनों में मिलेगा, नहीं तो एकदम अलग हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी चीज अलग अलग इसमें नहीं है, हर चीज ओवरलैपिंग है, इस दर्शन में हर चीज ओवरलैपिंग मिलेगी, लीनियर कुछ भी नहीं, एक भी चीज लीनियर नहीं। जैसे जीवावस्था के दो ग्रेड देखिए, नीचे वाला कीड़े मकोड़े वाला, और वो उसमें कुछ लिंकिंग पॉइंट है, जीवावस्था में और मानव में कुछ लिंक जैसे चीज है। छोटे बच्चों के साथ बात होती है तो एक उदाहरण देते हैं कि पेंसिल नुकीली है तो वो उपयोगी है, तो आप भी समझदार हो गए तो आप उपयोग, तो उसमें एक पंचलाइन देते हैं, मेरा मूल्य ही मेरी उपयोगिता है, तो मानव का मूल्य ही उसकी उपयोगिता है, तो उस तरीके से शायद इसको एक अलग तरीके से बोलने की कोशिश की जाती है, ऐसा कैसे बोलेंगे इसको? हाँ भैया देखिए, हम इस प्रकार की बातचीत को सिखाते हैं पहले बच्चों को बोलने के लिए, बोलने के लिए सिखाना है कि जीने के लिए सिखाना है? मतलब मेरी बेटी हो गई, वो 18 साल की हो गई है, एक दो महीने बचा है, मैंने आज तक उससे मन वृत्ति चित्त बुद्धि वाली बात नहीं किया, आज तक उससे न्याय धर्म सत्य नहीं बोला एक भी बार, लेकिन सही और गलत बोला। मैंने स्कूल में जाने के दिन पहले दिन बोला, तुम्हारा लक्ष्य क्या है बेटा? सबके साथ दोस्ती होना है, तो किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, पहला टारगेट दिया, तुम फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, लास्ट आओ, मेरे सब स्वीकार, हर खेल में भागीदारी करो, ये मैं चाहता हूं, हर कल्चरल एक्टिविटीज में भागीदारी करो। अब उनके स्कूल में बोल दिए दो ही में करना है, हाँ बेटा दो ही में करो, उससे अधिक स्कोप नहीं, सबको करना पड़ेगा कल्चरल एक्टिविटी दो ही में, हाँ बेटा दो ही में करो, पढ़ो, लेकिन हर किसी बच्चे के साथ तुम्हारा दोस्ती रहना है, वो फर्स्ट लाइन दिया, आज तक उसने पालन किया, मैंने न्याय धर्म सत्य नहीं बताया, अब एक दिन बता दूंगा, एक दिन में उसको समझ में आ जाएगा। कई लोग न्याय धर्म सत्य बोलते हैं, इससे उल्टा करते हैं, है ना, तो छोटे में अभ्यास कराना है, तो भाषा का अभ्यास करा सकते हैं, उसको अभ्यास कराने के लिए आपको उतने एक्सपर्ट लोग चाहिए जो भाषा में उतने पकड़ रखते हैं, है ना। मेरे से गलती होती है कि मेरे मन में एक विचार आया बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मन वृत्ति चित्त नहीं पता है, एक चलन है, एक प्रकार से लोग समझते हैं, उसी में बात करना होता है। ब्रेक हुआ है, घंटी बजी है, ठीक ठीक सुनाओ, है ना, इसमें कोई मानव नहीं है, पूर्ण जागृत से मानव शुरू हो रहा है। हाँ
इसी को बाबा जी बोलते थे अध्ययन 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 करने वाला। तो बीच वाला जो है अर्ध विकसित, वो अध्ययन करने वाला मानव है, अभी वो मानव नहीं बना। इसमें तो साफ साफ लिखा है ना कि मानव पद अनुभव के बाद है। नहीं, इसी में आगे जाके लिखा हुआ है, 18 अध्याय में लिखा हुआ है, शायद 17 में भी लिखा होगा, है ना, अनुभव के बाद मानव पद है, मानव दिव्य मानव को अनुभव रहता है। क्या हमारा पुस्तक हमको ज्यादा बढ़िया समझ में आता है, हम जगह जगह गोद के रखे रहते हैं ना। क्या बोले, समझ में आ गया? 17 को तो मेरे हिसाब से, मेरा बस चले तो मैं कंपलसरी कर लूं कि रोज जैसे गीता पाठ करते हैं तुम 17 पढ़ो। है? मेरा बस चले तो, क्योंकि सारी चीजें डेफिनेशन होते होते 16 में और 17 में जाके फिक्स हुआ है, 15 तक केवल डेफिनेशन चल रहे हैं और 16 में वो डेफिनेशन एक जगह जोड़ के कुछ चीज बन रहा है। 16 और 17, 16 में समाज के बारे में बताया गया है, 17 में अपनी जागृति के बारे में बोल। तो ये दो चैप्टर आप पढ़ते रहिए, 16-17 16-17 ऐसा। आप कई लोग को देखोगे ना, अब अमरकंटक में जाएंगे तो कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय पढ़ते हैं, कोई एकादश पढ़ता है ना, कोई अर्गला पढ़ता है रोज, कोई कवच पढ़ता है, उसके अलग अलग चैप्टर के नाम है। तो लोग 15 साल से वही पढ़ रहे हैं एक ही चैप्टर। अब नहीं, रामायण में भी कई लोग केवल बालकांडी पढ़ते रहते हैं, कई लोग सुंदरकांडी पढ़ते रहते हैं, है ना। तो वो सब बना के रखे हैं, किसी एक चीज को पढ़ो उससे बाकी सब चीजें जुड़ जाती है। हाँ, पर पहला अध्याय पढ़ने से कोई बहुत मजा नहीं आएगा। उसमें चार ही लाइन है पढ़े और निकट, ये बिगिनर के लिए ठीक है, चलो पहला अध्याय पढ़ लो। चाय पी ले, हेमलाल भैया, हेमलाल भैया से मेरी बात हो गई है, अभी मुझे फिर संकेत भैया ने अभी अभी मुझे यही बोला यहाँ से आते आते कि उनके घर में मुझे भोजन करना है लंच। मैंने कहा ठीक। अब यार खाना तो एक ही बार खाऊंगा, पहले हेमलाल भैया को हाँ बोल दिया था। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं उपयोगिता और पूरकता की, जो बार बार जो झंझट कर रहा है। देखिए, जो तीनों अवस्थाएं हैं उनमें कर्म स्वतंत्रता नहीं है, तो वो जो है वो वही है। मानव में कर्म स्वतंत्रता भी है, तो जो तीनों अवस्थाओं में है वो मानव में तो है ही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा है। तो इसीलिए जो पूरकता वाला वैल्यू है वो अवस्थाओं में, उपयोगिता वाला जो वैल्यू है वो मानव को बनाना पड़ता है, बस इतना ही अंतर है। जैसे मिट्टी को घर बनाना पड़ता है, कपड़ा बनाना पड़ता है, गाय नहीं बनाती कपड़ा, कोई नहीं बनाता, कोई घर नहीं बना के रहता। आपको पता है ना, चिड़िया घर बना के नहीं रहती, घोंसला में नहीं रहती है, चिड़िया अंडे देने के लिए बनाती है, खुद नहीं रहती। नहीं, जब तक अंडा रहता है तब तक,
उसके बाद नहीं। अभी हम मैंने एक प्रकार से भ्रमित में है, तो हमारे से जो विकसित है उसके लिए हम उपयोगी हैं और हमारे लिए वो पूरक है, इस तरीके का बातें हम समझे थे इसको। हम वही चारों अवस्थाओं के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। पदार्थ अवस्था में कोई कर्म स्वतंत्रता है ही नहीं, वो जो है वो है और वो हमेशा सही है। वो प्राणावस्था के लिए भी, वो जीवावस्था के लिए भी जैसा है वैसे ही है, वैसे ही प्राणावस्था वैसे ही जीवावस्था। तो ये अपने आप में एक दूसरे के लिए पूरक विधि से ही बना हुआ है। धरती की सतह पर वही पदार्थ आए हैं कि प्राणावस्था हो सके। पानी आया, हवा आया, वही हवा आए, नहीं तो प्राणावस्था नहीं होती। तो पूरी जो पदार्थावस्था है वो प्राणावस्था के लिए पूरक है, वैसे ही पदार्थावस्था प्राणावस्था दोनों जीवावस्था के लिए पूरक है। अब जीवावस्था क्या इन दोनों के लिए पूरक है कि नहीं है? जैसे गाय ने घास खा लिया, उससे क्या हुआ? गाय ने घास को खाया, उससे उसका पोषण हुआ और घास को प्राकृतिक रूप में सूख के खाद बनने में 1 वर्ष लगता, लेकिन गाय के खाने के बाद वो 1 महीने में खाद बन जाएगा। 1 दिन में वो सूख गया, उसका मल बन गया, 2 दिन में सूख गया, बाहर में आया तो मिल गया। तो गाय के आने के बाद घास बनने की प्रक्रिया बढ़ेगी कि घटेगी? वो साइकिल 10 गुना फास्ट हो गया। जो नेचुरल एक साइकिल था वो 10 गुना फास्ट हो गया। गाय ने किया, गाय ने नहीं किया, क्योंकि गाय में कर्तापद नहीं है इसलिए नहीं किया, पर गाय के बिना होता नहीं होता। तो गाय को हम कर्तापद नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो पूरक है ही है। उसके आने के बाद वनस्पतियों की संख्या ग्रोथ बढ़ गया, तो ये गाय का रोल हुआ। गाय के आने के बाद हम देख रहे हैं कि बढ़ गया, तो गाय आने के बाद या जीवावस्था आने के बाद जंगल ज्यादा समृद्ध हुए होंगे, प्राणावस्था ज्यादा समृद्ध हुई होगी। तो ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, माने इसमें कोई कर्म स्वतंत्रता उसको रोकना बढ़ाना कुछ नहीं है। मानव आने के बाद इन तीनों को भी वो डैमेज कर सकता है और बढ़िया कर सकता है, इस साइकिल को और फास्ट कर सकता है। अब हमने जैसे गोबर गैस प्लांट बना दिया, गाय के गोबर को हम जमा करते हैं, 21 दिन के बाद वहां से निकलता है और वो सीधा खेत में डालने योग्य हो गया, तो हम 12 से 15 गुना उसकी स्पीड से काम कर ले रहे हैं, और ज्यादा हो गया। यदि उस जमीन में गाय को छोड़ेंगे तो वो कम घास पैदा होगा, हम गाय को रखते हैं काट के खिलाते हैं, उसी जमीन में 5 गुना घास पैदा होती है, क्योंकि उसके खुर से मरते भी है। तो मानव के आने के बाद ये सारी चीजें और बढ़ गई, तो मानव में कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता है के बाद ये सारी चीजें और बढ़ गई तो मानव में कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता है। पेड़ों के बीच के डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा दिया तो फल ज्यादा हो गया, ज्यादा पास लगा तो कम हो गया। तो हमने इन चीजों को पहचाना धीरे धीरे कि इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। जैसे गेहूं के खेत में आप देखेंगे थोड़ा सरसों डाल दिया, सरसों में जो कीड़े होते हैं वो गेहूं में नहीं आते, गेहूं में जो होते हैं वो कीड़े सरसों में नहीं आते, दोनों होने से दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हुए। इससे हमने फसल बढ़ा दिया, कोई कीड़ा आ रहा है तो हमने पहले दिन उसको मार के खत्म कर दिया, फसल बढ़ गई। तो मानव का कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता होने के कारण इन तीनों के संरक्षण संवर्धन का अधिकार उसके पास आ गया और विनाश का भी अधिकार है, तीनों है। इसके साथ मानव मानव के लिए भी और मनुष्यतर प्रकृति के लिए भी वो पूरक भी हो सकता है, उससे उल्टा भी हो सकता है। तो कुछ भाग पूरक है,
कुछ भाग मानव के लिए जरूरी है उतना करते हैं। जैसे जंगल में गाय रहती थी, गाय को शेर से, भालू से और जंगली जानवरों से भय है, मानव उसको घर ले आया। पहले उसको कभी खाना मिलता था, कभी खाना नहीं मिलता था, अब उसको रेगुलर हम एक जैसा खाना देने लगे, तो गाय का दूध पहले से ज्यादा हुआ, उसके बच्चे को उतना ही मिला, बाकी हमने ले लिया। तो हमने जो श्रम किया वो हमने ले लिया और बच्चे की जिंदगी को पहले से अच्छा बनाया। तो ये क्या हुआ, मानव के आने के बाद हमने जो भी काम किया मानव के लिए किया, क्या किया, उपयोगिता मूल्य को बढ़ाया या कला मूल्य को बढ़ाया, किया क्या, किया उपयोगिता मूल्य को बढ़ाया या कला मूल्य को बढ़ाया। इन तीनों अवस्थाओं के साथ मिलके मनुष्य ने उपयोगिता और कला मूल्य को स्थापित किया मानव के लिए, जानवर के लिए नहीं किया। यदि किया है तो उसके पीछे में मंशा यह है कि मानव को पूरा होगा। जैसे गाय को हम खाना दे रहे हैं, गाय को नहीं खाना दे रहे हैं, हमको दूध चाहिए इसलिए हम गाय पाल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये उपयोगिता मूल्य की स्थापना किया। तो पूरकता पहले से ही था, पूरकता यदि नहीं होती तो मानव कुछ नहीं कर पाता। घास जो है गाय के लिए भोजन है, ये पहले से ही है, मानव के सीखने के पहले से ही है। उसी पूरकता को हमने और बढ़िया ढंग से कर लिया तो हमको ज्यादा दूध मिला, तो हमने उपयोगिता मूल्य को बनाया, गाय के चमड़ी से कुछ बना लिया। वैसे ही हर चीजों के इससे उपयोग करके हमने कपड़ा बना लिया, कुछ कर लिया। तो उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य को हमने और अलग से ले लिया। पूरकता जैसा है वैसा बना ही हुआ है, तो मानव उपयोगिता और पूरकता दोनों के साथ हो गया। मानव के साथ जो मूल्य है वो अलग मूल्य, इन तीनों अवस्थाओं के साथ केवल दो ही मूल्य है, उपयोगिता और कला मूल्य। मानव का मानव के साथ मुख्य रूप से ये है, संबंध वाला मूल्य है, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य। मानव मानव के साथ व्यवसाय नहीं करता है। अभी मॉडर्निटी ने क्या बोला कि आप आओ, आप हम आपको नौकरी देंगे, आप हमारे लिए 100 रुपया कमा के दो तो हम तुमको 10 देंगे। ये किया, ये मानव के साथ गलत, ये किया, ये मानव के साथ गलत है, ये लागू नहीं, ये शोषण है। तो क्या कर रहे हैं, मानव मानव के लिए केवल मूल्यों का आधार होगा। तो मानव मानव के बीच में जो विनिमय है, लाभ हानि मुक्त विनिमय, मूल्यों का आधार होगा। तो मानव मानव के बीच में जो विनिमय है, लाभ हानि मुक्त विनिमय, लाभ और शोषण नहीं है मानव के साथ, ये चीज है। तो मूल्य क्या है, यदि लाभ हानि मुक्त हुआ तभी मूल्य पैदा होगा, शोषण हुआ तो कभी भी मूल्य नहीं होगा। तो इतनी बात हुई, ठीक है भैया। तो देव मानव जो है या दिव्य मानव है, तो देव मानव जो है या दिव्य मानव है, मान लो मेरा उपयोग कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अभी जैसे आपने बोला देव मानव मेरी जागृति के लिए कर रहा है, इसका नाम है उपकार, उसको नहीं चाहिए हमसे। दिव्य मानव मुझे कुछ भी बोला है, डांटा है, समझाया है, कुछ पुचकारा है, काम दिया है, काम करवाया, किस लिए, मेरी जगह, उनको नहीं चाहिए कुछ ना, वो उस स्टेटस में पहुंच चुके हैं। तो मनुष्य जो है, विकसित मनुष्य अविकसित के साथ, अविकसित मानव के साथ जो भी कर रहा है वो उपकार है, या व्यवसाय है ही नहीं, व्यवहार है, विचार है, और इसका उद्देश्य शुद्ध रूप में विकसित के साथ उसको विकसित बनाना है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं चलो पैर दबाओ, चलो खाना बना के दो, चलो झाड़ू लगाओ, चलो कपड़े धो लो, हमारा भी धो दो, ये सब क्या है, हम उनसे उनको सिखा रहे हैं कि आगे उनको ऐसा जीना पड़ेगा, उसके लिए अभ्यास हो जाए।
तो इस बात को बिल्कुल भूलना पड़ेगा कि अधिक विकसित हमारा उपयोग किया, हमारा उपयोग अपने जीने के लिए नहीं किया, हमारे श्रम से हमारे विचार से हमी को विकसित बनाने के लिए रास्ता बताया, अभ्यास भी करा दिया। नहीं देखो, अधिक विकसित और कम विकसित है तो पहले उसका ये सेट करिए, मानव और मनुष्यत्व प्रकृति है या मानव और मानव है। तो मानव और मानव है तो अधिक विकसित मनुष्य कम विकसित के लिए अवसर दे रहा है और वो उपकार कर रहा है ताकि ये जागृत हो सके। मानव मानव के बीच में व्यवसाय नाम की चीज है ही नहीं, व्यवहार है, मिलके सब काम कर रहे हैं, मिलके समृद्ध होंगे। ठीक है ना? तो आप बताइए आपका क्या प्रश्न है भाई। उपयोगिता शब्द जब भी आ रहा है मानव और मनुष्यत्व प्रकृति, बीच में दूसरा चीज आएगा ही नहीं। पूरक तक की जब साथ साथ है तो चारों अवस्थाएं एक दूसरे के पूरक है। मानव चाहे समझदार है तो है, नहीं तो नहीं है। उपयोगिता मानव अविकसित चीजों को तीनों अवस्थाओं को करता है, मानव मानव के साथ ऐसा नहीं कर रहा है, नहीं करना चाहिए। अजागृत आदमी कर रहा है, शोषण कर रहा है, जागृत आदमी नहीं कर रहा। वो दूसरा कर सकता है पर वो अविकसित है इसलिए कर रहा है शोषण, पर वो अविकसित है इसलिए कर रहा है शोषण। नहीं नहीं नहीं, यदि ऐसा कर रहा है तो वो शोषण कर रहा है। उपयोगिता शब्द जो है मानव का मनुष्यत्व प्रकृति के साथ आ रहा है, मानव के साथ नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अपने बच्चे को कुछ सिखाया, जाओ हल चलाओ, फल चलाया, फसल बोया, काटा, मेरे को भी खिलाया, वो मैं लेटा हुआ हूं, मैं खाते रहता हूं, है ना? क्या माना जाएगा? मैंने शोषण कर लिया अपने बच्चे का कि उसको सिखा दिया कि अब उसको तो 25 साल तुमको मिलेगा। उसके बाद ये भी बोल रहा हूँ कि अगली पीढ़ी को सिखाना, बूढ़ा हो जाएगा तू कर नहीं पाएगा, उसके पहले तू सिखा देना, सीखने के पहले मानसिकता बना देना। तो ये मैं उसको बोल दे रहा हूं, तो मैं आराम से, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा भी किया है, सिखाया भी है। अब वो चीज उसको रिटर्न कर रहा हूं कि ये चीजें तुमको करना है, तो खुद भी तुम करो, आगे पीढ़ी को भी सिखाओ, सीखने के लिए मानसिकता बनाओ, इतना सब करो, उसके लिए भी तैयारी करवाता हूं। भैया जैसे मैं समझा हूं तो जो भी मूल्य है, मानव का मूल्य अगर है, जो मौलिकता उसकी, वही उपयोगिता है। तो मानव में देख रहे हैं तो समझना ही उसका कार्यक्रम निकल के आ रहा है कि संपूर्ण को समझ जाए और व्यवस्था में स्वयं व्यवस्थित हो जाए, व्यवस्था में भागीदारी कर ले। तो अगर इसको जागृति कोई मानव की उपयोगिता बोले तो वो ठीक है, और सारा जो मनवेतर प्रकृति है उसकी भी उपयोगिता मानो जागृत हो जाए, यही है। अगर ऐसा बोलना बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? भाषा में शब्द को लेके हो रहा है कि वस्तु को लेके हो रहा है? नहीं, वही शब्द को कैसे प्लेस करें उसको, वही है। नहीं, शब्द यदि वस्तु को लेकर हो रहा है तो शब्द में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको उपयोगिता शब्द को बोलना है मानव के साथ, ये मुद्दा है, है ना? या मानवेतर प्रकृति का भी उपयोगिता क्या हुआ? तो मैं ऐसा देख रहा था कि अगर मेरे समझने में कोई चीज, जैसे पेंसिल है, वो मेरे समझने में उपयोगी हो रही है,
इस तरीके की भाषा बन सकती है कि नहीं इस टाइप की? देखो, परिचय शिविर में जो बोला जाता है वो थोड़ा सा लूज टर्मिनोलॉजी को उपयोग करते हैं, क्योंकि वो लोग आए हुए हैं जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। जब हम दर्शन में आते हैं तो धीरे धीरे हम इस शब्दावली में आते जाते हैं धीरे धीरे। उपयोगिता जो शब्द है वो मानव का प्राकृतिक वस्तुओं के साथ, उसको यदि आप उस भाषा में जाओगे तो उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन, ये शब्द आया है। तो उपयोग के लिए भौतिक वस्तुओं के साथ ज्यादा है, सदुपयोग परिवार में और समाज में जो मूल्य है उसकी स्थापना में है, शिक्षा में, प्रयोजन में पूर्ण रूप से केवल शिक्षा है। कभी भी एक शब्द से पूरी व्याख्या नहीं होगी, यदि होती तो इतने शब्द क्यों बनाए जाते हैं, है ना? ना एक शब्द होगा, ना एक अवस्था होगी, कई सिचुएशन होंगे। कुल मिला के व्यवस्था में तो हमेशा बात हो रही है ना लाभ हानि मुक्त विनिमय कि कहीं भी लाभ है नहीं। लाभ हानि मुक्त विनिमय होगा मतलब दोनों के श्रम का मूल्यांकन होगा, श्रम मूल्य उसमें कितना लगाए फिर विनिमय हो। अच्छा, मानव हम एक जैसे मैंने कमाया खाया कुछ बचा तो मैंने कुछ बांट दिया, उसके बदले में विनिमय का मूल्य नहीं लिया, कुछ को हमने देकर विनिमय का मूल्य लिया। में पुरस्कार और पारितोष ये और भाग है, ये भी शोधन कहता है। आपने मुझे कोई, मान लीजिए कोई चश्मा दे दिया, वो चश्मा मेरा ही है, अब चाहे मैं उसको जो करूं, अब आप नहीं बोल सकते कि तुमको यही करना पड़ेगा, है ना? कोई कपड़ा दे दिया तो मैं कपड़ा खुद भी पहन सकता हूं, मैं अपने भाई को दे सकता हूं, अपने बच्चे को दे सकता हूं, अपने मित्र को दे सकता हूं, और किसी को दे सकता हूं। शोधन है बला। तो कोई किसी को भेंट नहीं देगा, ये नियम नहीं बन सकता, भेंट देगा ही देगा और विनिमय भी करेगा, विनिमय में लाभ वाली मुक्त होगा। और एक वैरायटी है कि हम कम देंगे ज्यादा लेंगे, भेंट में हमने दिया लिया कुछ नहीं, भेंट एक वैरायटी है, हमने दिया बदले में कुछ नहीं लिया, विनिमय में जितना दिया उतना लिया। इसके अलावा ऐसा कोई क्लॉज बनना है कि हम ज्यादा देंगे और कम लेंगे, वो अमानवीय है। कम दिया और ज्यादा लिया यह अमानवीय है। ज्यादा दे के कम लेना होता है, भेंट दिया जो, या देकर बिल्कुल नहीं लिए, ये होगा। उसमें कोई भी किसी को दे सकता है, बच्चे बड़े को दे सकते हैं, बड़े बच्चों को दे सकते हैं। हम समाज को देखिए, कोई भी आता है बड़ों के लिए कुछ ले आता है, कुछ नहीं, फूल लाया, फल लाया, कपड़े लाया, ऐसा कुछ हम बना के रखें। अब बूढ़े हो गए हैं, अब वो नहीं श्रम कर सकते हैं, पर उनको चाहिए तो कोई भी आता है, बूढ़े हैं, उनके लिए कुछ ले जाते। है ना? तो अधिक देना, कम लेना या नहीं लेना, ये चलेगा। जितना देना उतना लेना वो भी चलेगा, कम देना ज्यादा लेना ये नहीं चलेगा। ये दो चीजें। और ये जब भी हुआ तब से प्रॉब्लम शुरू हुई, शोषण। श्रम मूल्य के आकलन,
उसके लिए एक विधि अभी भी प्रचलित है, वो एक आकलन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ बनाऊंगा तो उसके लिए एक संसाधन चाहिए होता है, उसके लिए पहले घर चाहिए होता है, कुछ मशीन चाहिए होती है ना। तो उन सब चीजों का मूल्य हम जोड़ते हैं, उसके साथ श्रम लगता है, वो सब को जोड़ के हम एक उसका मूल्य बनाते हैं, उसी आधार पर विनिमय होता है। अभी भी आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जाएंगे या किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो हर चीज का एक कॉस्ट कैलकुलेशन होता है। कॉस्ट कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें हम उसमें गिफ्ट भी थोड़ा जोड़ देते हैं, उसका मार्केटिंग का जो खर्चा है उसको भी जोड़ देते हैं, ऐसा करके हम एक चीज निकालते हैं और उसका MRP रखते हैं। तो एक विधि है। तो यहां भी वैसे ही बोला जा रहा है, कोई अलग नहीं बोला जा रहा है। भैया ये विकसित अविकसित के लिए पूरक है, ये समझ में आया। फिर अविकसित विकसित के लिए क्या है? नहीं देखिए, अब इस सेंटेंस को आप दो भागों में तोड़ दीजिए। मानव और मनुष्यतर प्रकृति के बीच में क्या बात होगी? सॉरी, मानव मानव की बात। वही तो, आप सबको एक तराजू में तोलना चाहते हो, वो नहीं होगा। मानव मानव के साथ और मानव और मनुष्यतर प्रकृति, ये दो में करिए। तीसरा यदि आप करना चाहते हैं मनुष्यतर प्रकृति का आपस में, तो उसमें तो वो बाध्य है बेचारे, कुछ कर ही नहीं सकते, जो है वो है ना। तो मानव और जैसे अविकसित प्रकृति के साथ अलग चीज होगा, मानव मानव के बीच में अलग होगा। तो मानव मानव के बीच में हम फिर देखेंगे, माने दिव्य मानव और मानव का संबंध, दिव्य मानव और पशु मानव का संबंध, दिव्य मानव और देव मानव, वो संबंध देखिए। अविकसित मानव विकसित में समर्पित रहेगा, हर जगह एक ही शब्द नहीं चलेगा। देखिए अर्पण और समर्पण दो शब्द है। अर्पण में आप कुछ दे रहे हैं तो बदले में अपेक्षा है, समर्पण में कुछ दे रहे हैं तो बदले में अपेक्षा नहीं। जैसे मैं बाहर से कुछ कमाता हूं लाके अपने परिवार में देता हूं, उसके बदले में मेरे को क्या अपेक्षा है? मान लो मैंने 100 रुपए का सामान खरीद के अपने घर में आज दिया, अब मेरे को क्या अपेक्षा है ये लोग मुझे 110 का दें या 200 का दें? व्यवसाय मूल्य के बदले में मैं व्यवहार का मूल्य चाहता, उनके अंदर कृतज्ञता हो, गौरव हो कि भाई हमारे माता हमारा छोटा भाई है हमारा ध्यान रखता है, हमारा बच्चा है हमारा ध्यान रखता है, हमारा पति है ध्यान रखता है, हमारे पिता है ध्यान रखते हैं, हमको यही चाहिए। तो परिवार विधि में भौतिक वस्तुओं को दिया गया, बदले में जो अपेक्षा है वो मूल्यों की है। परिवार के अलावा देना है तो फिर दो विधि है, विनिमय करेंगे या गिफ्ट दे देंगे। तो यदि हम गिफ्ट दे रहे हैं तो हमने समर्पित कर दिया, बदले में नहीं चाहिए, विनिमय किया तो इतने का है आप इतना दे दो, ठीक है ना। मानो में पूरा का कह रहे हैं भैया जी, और अभी आपने जो कहा कि अपेक्षाएं, जैसे आपने कहा कि मैंने दिया तो उसके बदले मुझे जो भी सम्मान है कृतज्ञता है स्नेह ये चाहिए, तो अपेक्षाएं संबंधों में रख सकते हैं। अपेक्षा मतलब ही संबंध, आदर्शवाद बोलता है कोई अपेक्षा नहीं रखो, यही मेरा क्वेश्चन। आदर्शवाद बोलता है कोई अपेक्षा नहीं रखो, हम क्या कहते हैं अपेक्षा ही संबंध। पर सुनने में पढ़ने में आता है कई जगह कि अपेक्षाएं ही दुख का कारण है, अपेक्षा रखोगे तो दुखी ही रहोगे, आदर्शवाद का ये फॉर्मूला। जी जी, तो अपेक्षा किसी से रखो ही नहीं ऐसा कहना है। रखना ही तो बिना अपेक्षा के तो बिना मतलब अपेक्षा रहती ही है संबंधों में। हा? कि अगर मैंने कई बार गलत अपेक्षा रखते हैं ये भी हो जाता है।
ये दुख का कारण। जैसे हमारे बच्चे से हम क्या अपेक्षा रखते हैं, ये अच्छा आचरण करना सीखे, अच्छी बातों को सीखे, अच्छे अभ्यास को सीखे। उस अच्छे अभ्यास में यह है कि हमारी सेवा भी करे, जब हमने हमसे नहीं बनेगा कि नहीं रहेगा वो। किसी के माँ पिताजी मर रहे हैं और वो कहाँ से ये अपेक्षा होगी क्या? नहीं। ठीक है ना, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब तो दुख होता ही है। नहीं, अपेक्षा पूरी नहीं होने का दो कारण जी। मैंने बच्चे से ज्यादा अपेक्षा रखा, क्या अपेक्षा रखा? वो मेरे लिए एरोप्लेन ला के दे, जो मैं नहीं कर पाया वो करे, वो मेरे दुश्मन को मारे, वो है ना, ये अपेक्षा रखता हूँ। ये कैसे होगा? मैंने गलत अपेक्षा रखा है, पूरी नहीं होगी। मतलब अपेक्षाएं भी सही की रखनी है। हाँ। और सीमाओं में रखनी है अपेक्षाओं को। वही तो, सही अपेक्षा हो जाना दोनों के बीच में मतलब संबंध की पहचान हुई। हमने गलत अपेक्षा रखा है माने संबंध की पहचान नहीं हुई। दोनों ने सही अपेक्षा रखा तब सही संबंध की पहचान हुई। एक ने रखा एक ने नहीं रखा तो कोई संबंध की पहचान नहीं हुई। व्यवसाय के बदले व्यवसाय मूल्य और व्यवहार के बदले व्यवहार मूल्य, दोनों चीज हुई। विचार के बदले विचार वाला भी एक, उसको भी एक, जैसे आपने कुछ क्वेश्चन किया मैंने उसका उत्तर दिया, या वो कैसे पूरा होगा उसके लिए रास्ता बताया। कौन उत्तर देगा वो सकता? कोई पूछे भैया यहाँ से, भैया मुरमुंद का रास्ता कहाँ से? मैं नहीं जानता, वाला भैया इनसे पूछो, इनको पता है। मतलब जो कंसल्टेंसी सर्विसेज जो दे रहे हैं उसको भी ठीक नहीं मानना पड़ेगा ना। देखिए इसको दो प्रकार से सोचना पड़ेगा। कंसल्टेंसी में जैसे कोई घर बनाना है, आप किसी से सीखना चाहते हो, तो वो आदमी आपके साथ अपना समय लगा रहा है, आपके मकान को बना दे रहा है ना, तो फिर उसने आपके मकान में सहयोग किया ना, तो उसको क्यों नहीं मानोगे आप? समय लगा रहा है, श्रम लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। नहीं, क्या शिक्षा मतलब? डॉक्टर वर्ग भी। देखिए ये जो शिक्षा अभी जिसको दी जा रही है ये व्यवसायिक शिक्षा है। पहला आप फोकस को स्थिर करिए, ये कोई मानव मौलवी शिक्षण, हमको कोई ना कोई व्यवसाय सिखा रहे हैं, है ना? तो व्यवसाय सिखाना माने ट्रेनिंग का पार्ट है ना। कोई यदि सारा दिन सिखाएगा तो क्या होगा, वो खाएगा कहां से? या फिर वो कुछ समय सिखाए, इस ढंग से चीजें बिगड़ गई। यदि एक घंटा दे सकता है तो बिल्कुल कर सकता है। देखो इस व्यवस्था में आप उस सिस्टम को फिट करके आप सोचते हो, है ना, वो नहीं होगा। उसमें इसको फिट करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। ये शोषण के आधार पर बनी हुई व्यवस्था है, ये पक्का मानो। ये जो भौतिकवाद आया है, लाभ करना है, अधिक शोषण करना है, प्रकृति का भी आदमी का भी, उसको आप वहां फिट करना चाहते हो, नहीं होता है वो। तो आप परिवार से देखना शुरू करिए ये सारी चीज। हम क्या कर रहे हैं, घूम फिर के मेरे काम को जस्टिफाइड करने के लिए मैं दर्शन को सुन रहा हूं, वो नहीं चलेगा, है ना। मतलब ये सब जो प्रश्न सुन के क्या मन लग रहा है, हम जो भी कर रहे हैं उसको क्या हम जस्टिफाइड करना चाहते हैं? भैया पहले से जस्टिफाइड है, भैया आप जिंदा रहो, खुश रहो, पहला वहां कोई हस्तक्षेप नहीं। अब इसमें क्वालिटी में कहां से आप सुधार ला सकते हो? कुछ तो गलत है ही है ना, अब उसमें क्या करोगे? एक होता है कि ये शिविर किया, अपना काम छोड़ देता है,
उत्पादन नहीं करना है, सेवा नहीं करना है, क्या करना है, बोलना है, देता है। उत्पादन नहीं करना है, सेवा नहीं करना है, क्या करना है, बोलना है। क्या बोलना है? उत्पादन छोड़ दो, सेवा छोड़ दो, कैसे चलेगा? तो इतना है कि भाई एक उत्पादन करो, एक सेवा शुरू करो। करूंगा ही नहीं, क्या होता है? जो कर रहा है उसके साथ खड़े हो, उसका हौसला बढ़ाओ, यदि ज्यादा है तो कुछ आर्थिक सहयोग भी करो उसको, क्योंकि खेती वाले सब तो डूब रहे हैं। कौन डूब रहा है? जो उद्योग वाले या इधर 3-5 करने वाले, उनका सब ले रहे हैं, उनका शोषण तो वही लोग कर रहे हैं ना, सीधा कान नहीं पकड़ रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा करके कान पकड़ रहे हैं। ये जो कल हम लोगों की बात हो रही थी, तो 4 विषय, 5 संवेदना, ईष्णत्रय और उपकार, ये 13 ज्ञान बोल रहे हैं टोटल। तो इसपे संवेदना जो है वो तो मन में 122 आचरण में हमको दिख रहा है कि मन के जो आचरण है उसमें स्वाद और स्पर्श, ये सब सारी चीजें हैं, मृदु कठोर, ये सब आ रहा है। ईष्णत्रय को मतलब कैसे देखें फिर, मतलब जीवन में, जीवन क्रियाओं में या आचरण में कैसे? जैसे मेरे परिवार में कुछ काम है, उसके लिए मुझे लोग चाहिए, ये है जनबल कामना। मेरे परिवार में इतने लोग रहते हैं, इनको भोजन चाहिए, इनको कपड़ा चाहिए, ये धन बल कामना। मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, आप लोग को पता चले, इसका नाम है यश बल कामना। मतलब इच्छा में हो रहा है, मतलब इतना हम लोग मतलब एक व्यवस्था चाह रहे हैं, उसके लिए ये कामना है हमारे पास। अभी मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोलता हूँ और अपना फोटो छपा देता हूँ, है ना, पेपर में पैसा देके, इसको लोग मानते हैं लोकेशन, ये लोकेशन नहीं। मैंने कोई अच्छा काम किया है, अब लोगों को पता चले कि अच्छा काम ये है और इस आदमी ने किया है, और अच्छा काम किया जा सकता है। बोलते हैं ना समाज में, आप अच्छा काम नहीं करोगे मारेगा समाज उसको, है ना, उल्टा है। जब तक अच्छा नहीं करोगे समाज जीने नहीं देगा चैंस। आप उन लोग को देखो जो लूट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, वो कितने प्रॉब्लम में, सारा दिन उसी में जूझे हैं। जो शांति से है वो कुछ ठीक कर रहा है। जो जीवन है, जीवन में कोई क्रिया तो होगी जिससे अपने को ये चाहना बन रही है ऐसी। देखिए जीवन की क्रिया क्या है, मुझे शरीर को जिंदा रखना है। क्यों रखना है? उसके बिना मुझे अपना अस्तित्व ही स्वीकार नहीं होता। जीवन ज्ञान नहीं है, मैं शरीर हूं माना हूं, अब शरीर को जिंदा रखना है। शरीर को जिंदा रखने के लिए 4 विषय, इसको पूरा करना मेरी बाध्यता है। इसी में मुझे सुख भी मिलता है, खाना खाता हूं तो मजा आता है, सोता हूं तो मजा आता है, ये सुख है, ठीक है ना। तो इस सुख को मैं पाना चाहता हूं। एक ये मुद्दा भी था कि एक्चुअली सुख है या नहीं है, वो भी सुख भास रहा है, सुख नहीं है या सुख है थोड़े समय का है, उसकी निरंतरता नहीं। जितने दिन देर तक मिठाई मेरे मुंह में रही मजा आ रहा है, क्योंकि इसमें एक ये भी बात होती कि जितनी तरसा है उतना ही सुख है। मतलब अगर प्यास नहीं है तो पानी होने से भी प्यास नहीं बुझ रही है इस टाइप से। मैं यदि मेरे में जीने की आशा है, क्यों, जीवन जैसे ही बना, कठिनपूर्ण जैसे ही हुआ, उसमें जीने की आशा आ गई, पर वो जी नहीं सकता है। अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कोई शरीर चाहिए, शरीर के साथ जुड़ा तो लगता है कि मैं हूं, शरीर गया तो लगता है मैं चला गया। तो पहला है जीने की आशा, उसके कारण शरीर चाहिए। शरीर चाहिए तो शरीर को जिंदा रखना है, 4 विषय अनिवार्य हो गया, तो 4 विषय के लिए कुछ काम करना है, खाना लाना ये वो। तो ये अपने आप शरीर के साथ ये बाध्यता आई,
चार विषय का ज्ञान जीवन में ही है बोलना पड़ेगा, शरीर में, शरीर में जीवावस्था का जो पहला पार्ट है उसको मिटा दीजिए, जीवावस्था का जो पहला पार्ट है जिसमें जीवन नहीं है वहां भी चार विषय है ना, कल चर्चा हुई थी ना, तो उसमें जीवन नहीं है तो उसमें चार विषय क्यों है, माने वो शरीर का है, जैसे जीवन आया वो शरीर से तदाकार हो गया इसलिए चार विषय को अपना लक्ष्य मान लिया, तो ये चार विषय हैं, ये चाहिए। अब मानव भी आ गया वो भी चार विषय चाहिए, अब चार विषय को यदि वो सामाजिक नियम से पूरा करे तो दूसरे के चार विषय में हस्तक्षेप नहीं होगा। स्वधन माने क्या, आपके स्वधन में मैं आपके चार विषय में मैं हस्तक्षेप कर दिया, परधन माने पर नारी पर पुरुष का मतलब भी यही है कि आपके उसमें मैंने हस्तक्षेप कर दिया, तो सभी चार विषय को पूरा करेंगे माने सभी के शरीर को बनाए रखना है, उसकी परंपरा को बनाए रखना है, उसके लिए एक ऐसी समझ कि हम दूसरों को डिस्टर्ब न करके अपने आप को जी लें, पहला लाइन है, दूसरे को भी मिल रहा है, दूसरे को जीने दो और जियो वाला लाइन पूरा हुआ, इस पूरी प्रक्रिया में मैं सुखी हो गया, क्या हुआ, मन जो है वृत्ति के अनुरूप हो गया, सुखी हो गया, तो पहला लाइन ये हुआ। इसके बाद चार विषयों को नियंत्रित करने के बाद माने स्वधन में सामाजिक नियम में जीने के बाद फर्दर इसी में जीते जीते फिर हमको धोखा हो जाता है, जितना धन चाहिए उससे ज्यादा लेने लगते हैं, वो संग्रह करने लगते हैं, जितना चाहिए उससे ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, फिर उस भीड़ से किसी को मैं झगड़ा करवाता हूँ, कुछ करवाता हूँ, तो अब जन बल कामना को या धन बल कामना को यश बल कामना को नियंत्रित करना है, भीड़ तो मिल गई अब क्या करो, चलो पड़ोस को लूट के आ जाते हैं, परधन शुरू कर दिया, किसी को अपमानित कर देते हैं, पर पीड़ा शुरू कर दिया, आ गया वही चीज, धन आ गया, किसी को पैसा देके गुंडों बुला के किसी को तंग करवा दिए, तो इन जो चीजें आई इनसे हमको समाज में जो व्यवस्था है उसको बना के रखना है, तो धन बल को, धन को और नियंत्रित किए, जन को किए, यश को, इस क्रम में चलते चलते प्रामाणिकता तक आए, ये हमारा मोटो हुआ। ऐसा कह रहे हैं कि मतलब पांच संवेदनाएं जो हैं वो तो जीवन में हैं, ऐसा नहीं, शरीर होने के कारण जीवन में आया, अच्छा, जीवन शरीर से यदि तदाकार नहीं है और शरीर नहीं है तो वो पांच संवेदनाएं नहीं आएगी, मगर गठन पूर्णता हुई है तो 61 अंश तो उसमें है, गठन पूर्णता जब हुई है तो 61 अंश तो उसमें है, क्या है 61 अंश तो है उसमें, बाह्य परिवेश को मन कह ही रहे हैं, तो मन में तो है ही, क्या है आचरण नहीं है, 122 जो आचरण बोल रहे हैं हर परिवेश में अलग अलग है, मन में क्या है, मन में अंश तो है ही ना, उससे क्या होता है, तो उसमें जो हम लोग मृदु कठोर और ये सब जो आचरण पढ़ रहे हैं जागृत मानव आचरण, शरीर आने के बाद है ना भैया, ये बिना शरीर के गठन पूर्ण परमाणु में कोई ऐसा नहीं रहेगा, मतलब ऐसा कह रहे हैं, या पहचान नहीं पाएगा इस तरह से कुछ, आप बहुत जल्दी चल रहे हो भैया, इतने जल्दी प्रश्न को बोलने से प्रॉब्लम होगी, आप क्या सोच रहे हैं कि शरीर नहीं है और जीवन है तो उसमें ये सब होंगे, नहीं होंगे, पहला होगा जीवन हूं, जीने की आशा होगी, केवल इतना होगा, उसका नाम है जीवावस्था, जीने की आशा है ना, केवल जीने की आशा, किसमें, सबसे कम विकसित जीवन में जीने की आशा होगी, वो अपने आप को बिना शरीर के जीना स्वीकारता नहीं है, मैं हूं स्वीकार नहीं पा रहा है, मैं हूं स्वीकारने के लिए उसको कोई जीव शरीर चाहिए, तो जीने की आशा पहले नहीं आएगी जब तक वो जीव के शरीर से तदाकार नहीं होगा, पहले जीने की आशा आई तब वो जीव के शरीर से तदाकार होने गया, तो वो कैसे आ रही है, गठन पूर्ण होते ही आ गई है, जीने की आशा अविभाज्य है, जीवन जैसे ही बना वैसे ही उसमें जीने की आशा आ गई, जीने की आशा का मतलब ही है किसी शरीर के साथ जीना, किसी शरीर के साथ जीता रहा वो,
इसके बाद दूसरा आया मानव शरीर को चलाने आया, तो जीने की आशा के साथ सुख आ गया। जीने की आशा के साथ बोलना चाहिए या जीने की आशा को उसने दबा दिया? जीने की आशा के साथ बोलना चाहिए या जीने की आशा को उसने दबा दिया? वो सुख के लिए अपने आप को शरीर को मार डालता है, वहां तक आ गया है मानव में। माने क्या आया? सुख आया, मानव के साथ आया सुख का मतलब। फिर एक भाग आया कि पांचों संवेदनाओं से होने वाला सुख, चार विषय से होने वाला सुख, इसमें वो खो गया। अब उसको पता चला कि चार विषय से और पांच संवेदना से होने वाला सुख स्थायी नहीं है। कैसे स्थायी होगा? उसके लिए सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम करने से स्थायी होगा, ये पता चला। पता चला तो प्रैक्टिस करेगा। बताइए कहां चूक हुई अब? ब्रेन वाला जो सेशन लेने वाले, वो मतलब जब हो जाएगा थोड़ा और क्लियर भी होगा। वैसे तो ये तो क्लियर हो रहा है कि बिना हो रहा है कि बिना शरीर के संवेदना नहीं है, मतलब बिना शरीर के हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। क्यों? ये जीवन का नेचर है, प्रवृत्ति है। शरीर हमको चाहिए। हम लाख बोले मैं जीना नहीं चाहता, हम झूठ बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, टोटल झूठ है। सुन लिए हैं किसी से, बोलते हैं। वो ले लीजिए, वो ले लीजिए। शरीर त्यागने के बाद में जो जीने की इच्छा है, तो जैसे मृत्यु उपरांत फिर वो कैसे वापस आता है? वो जीने की इच्छा के कारण से ही आता है कि कैसे? शरीर एक तो हम त्यागते नहीं है। हाँ, त्यागते नहीं है, छूट जाता है समय। शरीर मर गया पर जीने की आशा गई कि नहीं गई? जीने की आशा बना है, कभी नहीं जाएगी वो। हाँ, वो नहीं जाएगी, वो सुख रहेगा ही। मानव है तो सुख जाएगा नहीं जाएगा? सुख की आशा नहीं जाएगी मानव में। सुख की आशा नहीं जाएगा? सुख की आशा नहीं जाएगी मानव में। सुख की आशा कभी नहीं जाएगी। प्रयासी है, पहली बार कैसे मिला? अस्तित्व में संभावना है, वो चाहता है, उन दोनों का योग होता है। यदि अस्तित्व में प्रावधान नहीं होता तो नहीं मिलता, उसमें इच्छा नहीं होती, आशा नहीं होती तो नहीं मिलता। दोनों है, उसमें आशा भी है और अस्तित्व में प्रावधान भी है, एक सह अस्तित्व है इसका, उसमें मिलता है। जीवावस्था का जीवन होता है, उसको शरीर मिलता है जीवावस्था का। नहीं मिलेगी वाली बात ही नहीं है, सहअस्तित्व है वो। आशा हुई वैसा प्रावधान है, उसको मिलता है। आशा हुई वैसा प्रावधान है, उसको मिलता है। प्रयासरत रहता है शरीर, जैसे मर जाता है तो दूसरा शरीर के लिए वो प्रयासरत पुनः रहता है। कंटिन्यूस प्रयास रहता है, कभी भी वो खत्म नहीं होता है। इसी का नाम है आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, ये कंटिन्यूस बना रहता है। मतलब ये गठन पूर्ण होते ही परमाणु में आ जाता है, ये तीनों बंधन जो आशा विचार इच्छा बंधन है, ये एक परमाणु गठन पूर्ण होते ही उसमें ये तीनों चीज आ जाती है। जब वो सशरीर नहीं होता है तब भी रहता है। उसके बाद फिर वो उसका अस्तित्व सहज जो उसको मिलता है व्यवस्था, तो वो शरीर लेता है ऐसा? हाँ, शरीर मिलेगा, मतलब उसमें आशा विचार इच्छा बंधन तो है वो गठनपुर परमाणु में। अब उसको नियति से शरीर मिले तब वो शरीर लेकर अपने शरीर यात्रा शुरू करता है, ऐसा समझ में आ रहा है? भैया इसको अगर थोड़ा और खोले, दीदी जो बोल रही है कि अस्तित्व सहज, सहअस्तित्व में प्रावधान,
इसको थोड़ा खोलेंगे कि माने मनुष्य है, मानव परंपरा है। मान लीजिए मेरी मृत्यु हो गई शरीर की, जीवन तो बना है, अब जीवन को कोई मानव शरीर चाहिए, मानव शरीर बन रहे हैं, मैं कहीं चला जाता हूं। हाँ, बट इसका जो जैसे गठनपूर्ण परमाणु, जीवन ही गठनपूर्ण परमाणु है और उसमें आशाबंधन आया है, है और उसमें अनुबंधन और भारबंधन मुक्त हो गया, इसको थोड़ा और कैसे हो गया करके, या फिर क्या लॉजिक बता रहे कि यही चीज है उसके पीछे? पहले जो परमाणु था वो परमाणु अकेले नहीं रह सकता था, किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलके वो अणु बनाता था। वो अणु भी अकेले नहीं रह पाता बेचारा, किसी दूसरे अणु के साथ मिलके बड़े पिंड बनाता है, उसमें भी अकेले नहीं रह सकता, वो किसी धरती का पार्ट बनके रह पाता है। जैसे गठनपूर्ण होता है वो अकेले रह सकता है, अकेले रह सकता है नहीं, अकेले ही रहता है, किसी से जुड़ ही नहीं सकता, किसी से नहीं जुड़ सकता, अकेला हो गया। अब उसको ये विश्वास नहीं होता है कि मैं हूं, मैं हूं की फीलिंग है लेकिन मैं हूं का प्रमाण नहीं, मैं हूं वाला प्यास है, स्वीकृति है, उसका प्रमाण नहीं है। वो क्या करता है, किसी जीव के शरीर में आ जाता है, जब तक वो शरीर चलता है तो लगता है मैं हूं, थोड़े देर की राहत है, उसके बाद वो मर जाता है, वापस फिर आ जाता है कि मैं नहीं हूं, फिर दूसरा शरीर करता रहता, फिर दूसरा शरीर करता रहता। जीवावस्था से एक दिन उसको आ जाता है कि यार मानव में ज्यादा मजा है, मानव शरीर में चलाने आ जाता है। मानव शरीर को चलाते समय उसमें फिर कुछ चीजें दिखती है और उस क्रम से कुछ पीड़ा होती है और उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो मूल कारण क्या है, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, इसी को कह रहे हैं जीने की आशा या सुख की आशा। इसको अलग अलग नाम दिया गया, मूल चीज वही है, मूल पूंजी। वो चलाने आता है, चलाने आके देखता है, मार खाता है, कोई पीटता है, कोई ये करता है तो दुखी होता है, तो वो सोचता है कि इससे बचूं कैसे, तो वो रास्ता ढूंढता है। उसको बताया जाता है कि बेटा ये मत कर, खुश रहेगा, ये कर, खुश रहेगा, वो करने लगता है। इतनी कहानी है ना, हमको किसी ने बोला पढ़ लो अच्छा बन जाओगे, हम कुछ बन पाए, कुछ लोग नहीं बन पाए, कुछ लोग ज्यादा बन पाए, दोनों चीज हुई, मैं जितना सोचा था शायद उससे ज्यादा मिल गया, कोई आदमी सोचता था जितना सोचा उससे कम मिल गया, प्रॉब्लम है। ज्यादा मिलने के बाद थोड़े समय तो अच्छा लगा, उसके बाद फिर दूसरी इच्छा पैदा हुई, उसमें फिर तकलीफ हुई, तो हमेशा कभी न कभी ये रहा, आज मिल गया तो कल नहीं मिलेगा लगा। एक इच्छा पूरी हुई तो ऐसा नहीं लगा कि अब इच्छा खत्म हो गई, दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, तो फिर हमको लगा कि नहीं यार इसमें तो सुख नहीं है, किसमें है, तो उस रास्ते को ढूंढने लगे, उस रास्ते को ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचे, यहां पहुंचे। इसमें अनुबंधन से मुक्त के लिए तो ठीक है, मतलब अस्तित्व में ऐसे परमाणु और भी है जो शेयरिंग या फिर बॉन्डिंग नहीं कर रहे, तो अनुबंधन तो समझ में आता है। भार बंधन, वेटलेस इक्वल टू जीरो बोल रहे डायरेक्टली, फिर से बोलिए। अनुबंधन तो मुक्त हो गया करके समझ में आ जाता है, मुक्त हो गया माने वो किसी से शेयरिंग नहीं करेगा या फिर कुछ बनाएगा नहीं अपना, नहीं नहीं, अनुबंधन का मतलब किसी से मिलके ही वो रहेगा, बन गया अभी उसमें और बाउंड्री शेयर नहीं करेगा ना, मतलब कोई लेगा नहीं देगा नहीं, तृप्त है ना 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 ना। अणु बनने के बाद वो फिर और बड़े से मिलके भार बनाएगा। मैं गठनपूर्ण की बात कर रहा हूं। नहीं तो आप भाषा दूसरी बोल रहे हो, आप अनुबंधन बोल रहे हो और गठनपूर्ण बोलोगे तो नहीं चलेगा ना। नहीं, गठनपूर्ण परमाणु की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि अनुबंधन है, अनुबंधन से मुक्त है, इसका प्रमाण ठीक ठीक लग रहा है, इसमें लॉजिक बैठ रहा है। भार बंधन का लॉजिक जो है, अनुबंधन माने ही भार बंधन, दोनों से मुक्त हो गया वो, गठनपूर्ण परमाणु, अनुबंधन, भार बंधन, दोनों से मुक्त हो गया। हाँ, तो उसके मुक्त होने के वो लॉजिक पे जा रहे अपन,
तो अनुबंधन का समझ में आता है क्योंकि अभी भी है बोलते हैं एटम की जो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। कुछ जो गैसेस बता रहे कि तो है तो यदि मान लो है नहीं नहीं मैं आपके प्रश्न में आ रहा हूँ ना, आप क्या बोल के जल्दी से आगे बढ़ जा रहे हो। आप जिस चीज को बोल रहे हो उसको आप थोड़ा सा सोच लो। आपने बोला कि मान लो इनर्ट गैसेस हैं वो क्रिया नहीं करते, है ना, ये कह रहे हो ना। आप बोल नहीं पाए, मेरे को समझ में आ गया। क्रिया नहीं कर रहे तो हमने उसको पहचाना कैसे? आदमी उसको पहचाना कैसे? किसी इकाई को पहचानने का तरीका क्या है? मैं कोई वेव छोड़ता हूं वो टकरा के वापस आता है, क्रिया ही। कोई इकाई डालता हूं उसके साथ वो चिपक जाता है, कुछ हो रहा है नहीं तो मैं पहचानूंगा कैसे? तो इनर्ट गैसेस एक कल्पना थी कि इनर्ट होते हैं क्रिया नहीं करते, पर आगे जाके वो प्रूव नहीं हुआ। उनका अपन वेट वेट सब पढ़ते हैं, वेट पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सबका वेट है वस्तु, उनकी क्रियाएं भी पढ़ते हैं। तो पहले ऐसा माना गया कि ये रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं, भौतिक क्रिया नहीं करते हैं, नहीं माना गया कभी भी। हम क्रिया बोल के बहुत भ्रमित हो जा रहे हैं। अब उसको दो भाग में तोड़िए, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया दोनों आएगा। इनर्ट का मतलब है रासायनिक क्रिया नहीं करता है, भौतिक नहीं करता है, करता है, जाने कैसे इनर्ट को। अब एक आदमी ने एक बड़ा सैंपल ले लिया इस घर के बराबर का, इसमें जो ऑक्सीजन है उसको क्रिया करवा दिया कुछ डाल के, हाइड्रोजन को करवा दिया सबको, नाइट्रोजन को करवा दिया सबको, क्रिया करवाते गया और आखिरी में फिर भी देखा कि उसका कोई वेट है, वो किसी से क्रिया नहीं कर रहा है। उसका नाम दिया अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, उसका वेट मिल रहा है, उसका वजन मिल रहा है, मास है उसमें, लेकिन वो रासायनिक क्रिया नहीं कर रहा है, भौतिक क्रिया मिल रहा है, वेट एक भौतिक क्रिया है, ठीक है ना। वहां से खोज शुरू हुई, बाद में धीरे धीरे सब करा लिए। आइडिया तो वहीं से आया ना, क्रिया नहीं कर रहा है, रासायनिक क्रिया नहीं कर रहा है। देखिए हम बहुत बार बार क्रिया बोल के हम फंस जाते हैं, रासायनिक क्रिया नहीं कर रहा है, भौतिक क्रिया कर ही रहा है, नहीं तो पहचानेंगे कैसे, है ना। तो हम जब बात करते हैं तो उसके थोड़े गहराई में उतरना पड़ेगा। रासायनिक क्रिया नहीं किया, भौतिक क्रिया किया, पहले ऐसा पता चला, बाद में पता चला ये रासायनिक भी करते, बहुत कम समय के लिए, बहुत मुश्किल से करते हैं, लेकिन करते हैं, भौतिक क्रिया तो है ही है, तभी उसका वेट बता रहे। गठनपूर्ण परमाणु में क्या है, भौतिक क्रिया भी नहीं करता है, अकेले ही रहता है और उसका वेट नहीं मिलता है। इनर्ट गैस और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, इनर्ट गैस हमेशा गुच्छे में मिलेगा, माने कई अणु परमाणु का गुच्छा है, जीवन परमाणु गठनपूर्ण परमाणु केवल एक, इसका वेट नहीं है, उसका वेट। तो जीवन परमाणु न भौतिक क्रिया करता है न रासायनिक क्रिया करता है, इनर्ट गैस भौतिक क्रिया करते ही है 100%, रासायनिक क्रिया बहुत कम करते हैं। दो परमाणु जोड़ के अणु बन गए, ये भौतिक क्रिया है, उसका वजन हुआ, कौन रासायनिक और भौतिक वाला में दो माने परमाणु मिलके एक अणु बन गया है, तो वो एक उनका स्थिति एक ठो बनी गया, गैस गैस के रूप में हो चाहे जैसे, तो वो भौतिक रचना बन गया, लेकिन अभी मान लिया जाए उसका रासायनिक क्रिया नहीं हो रहा है, इस स्थिति में बोला। देखिए पानी बन गया, हाँ। मान लीजिए पानी एक रासायनिक क्रिया हुई, हाँ। रासायनिक क्रिया के बाद पानी बना, वो पानी बना ही रहेगा,
एक चीज मिल गया, वैसे ही हीलियम है, हीलियम बंड मिलेगा, है ना, लिथियम, ज़ेनॉन, प्रोटॉन, नियॉन, जो भी है ना, ये बनेंगे तो ये रहेंगे हमेशा। पर गठनपूर्ण परमाणु में भौतिक क्रिया भी नहीं होगा, वो अकेला रहेगा, उसमें वेट नहीं, वजन नहीं होगा। इसको अपन एक वेसल में रोक सकते हैं, बांध के रख सकते हैं, किसको, हीलियम को, नियॉन को, आर्गन को, क्रिप्टॉन को, ज़ेनॉन को, रेडॉन को, जीवन परमाणु को आप कहीं किसी वेसल में बांध के नहीं रख सकते। जो परमाणु है, कौन से परमाणु को, कोई भी परमाणु नहीं, भौतिक हुआ कि नहीं हुआ, वही तो बात है ना, एक प्रकार का परमाणु है जिसको भौतिक रासायनिक कह रहे हैं। तो क्रियाओं के तीन वैरायटी है, इकाई माने क्रिया, इकाई है तो वो क्रिया है, क्रिया के फिर तीन प्रकार है, एक है भौतिक क्रिया, दूसरा भौतिक रासायनिक क्रिया, जो रासायनिक है वो भौतिक ही है, हाँ ठीक है, मैं और दो, तीसरा जो क्रिया है वो जीवन क्रिया है, ना वो भौतिक है ना रासायनिक है, बल्कि अलग एक क्रिया। हाँ ठीक है, हमारा कहना ये था कि जैसे परमाणु है, परमाणु माने जड़ परमाणु की चैतन्य, देखिए आप ऐसे जड़ जड़, हाँ अब चैतन्य के नहीं, हाँ, अभी चैतन्य पर नहीं जा रहे हैं, जड़ पर जा रहे हैं, जिसमें दो तरह की क्रियाएं होती है, एक भौतिक क्रिया एक रासायनिक क्रिया। तो जड़ परमाणु जो है, जो परमाणु स्थिति में जो है, उसको क्या कहेंगे, भौतिक, उसका भौतिक मैंने किसी वस्तु की आकृति, कोई भी परमाणु अकेले मिलता ही नहीं है। अब दो हाइड्रोजन मिलके H2 बनाया, हाइड्रोजन अणु बनाया, अब उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक क्रिया करके दो चीजें जुड़ी है ना, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा, उसको हम बोलेंगे रासायनिक क्रिया किया और पानी बनाया, तो रासायनिक किया साथ में भौतिक है ही। तो पहला भौतिक क्रिया H2, दूसरा H2O भौतिक रासायनिक क्रिया। तो कोई भी इकाई है वो क्रिया है, क्रिया है माने या फिर भौतिक क्रिया है, या भौतिक रासायनिक क्रिया है, या जीवन क्रिया है, ये बाबा जी ने तीसरा वाला वैरायटी लाया। अभी किसी को नहीं पता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भौतिक क्रिया के या रासायनिक क्रिया के एक्सपर्ट है, जीवन है पता नहीं, नहीं है पता नहीं, कुछ नहीं पता। जो कई लोग बोलते हैं मैंने ईश्वर देख लिया, आत्मा देख लिया, उसको पूछो भौतिक जीवन क्रिया, बकवास करते हो बोलेगा, उसको पता ही नहीं। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में केवल गठन पूर्ण परमाणु ही रह पाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता, गठन पूर्ण होते ही वो अनुबंधन से मुक्त हो जाता है, और भार बंधन हाँ। से मुक्त हुआ, लेकिन आशा बंधन युक्त है वो, हाँ ठीक है ना, जैसे अभी बताया आपने भौतिक से मुक्त हुआ, हाँ, लेकिन आशा बंधन हो गया, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है वो, अब वो दूसरे शरीरों को डिस्टर्ब कर रहा है, करेगा, लेकिन परमाणु की कैटेगरी में जैसे भौतिक रचना हुआ, रासायनिक रचना हुआ, क्योंकि परमाणु जो है स्वतः अलग से परमाणु रूप में रहता नहीं है, कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन केवल गठन पूर्ण परमाणु ही अलग से रहता है, हाँ बिल्कुल, गठन पूर्ण परमाणु और अन्य जितने भी परमाणु है किसी न किसी से वो जुड़ा रहता है, अणु के रूप में, छोटा से छोटा जो है अणु के रूप में रहेगा ही वो, वही ना, जिससे चश्मा पड़ा है, मैं इससे जुड़ा नहीं हूं ना, 3 फुट दूर हूं, आप मेरे चश्मा को उठाएंगे, मैं उलगो मेरा है नहीं उठाना, है ना, किसी कमरे में मेरा कपड़ा रखा हुआ है, कहूंगा मेरा है, उसको नहीं छाना हुआ, किसी जमीन पे आप जाएंगे, बोलूंगा नहीं वो मैंने खरीदा है, आपका नहीं, तो मैं जुड़ा नहीं हूं, लेकिन मैंने मान लिया कि मेरा है। इस प्रकार से हम सब जुड़े हुए हैं। आप भारत देश को गाली देंगे, मुझे गुस्सा आएगा, कैसे दिया मेरा देश, तो ये क्या हो गया, हम किसी और चीजों से युक्त हो गए,
ये अलग अलग विचारों से युक्त हो गए, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं लड़का हूँ, कुछ भी, मैं बुढ़ा हूँ, कुछ भी, इनसे हम इन मान्यताओं को ले लिए जो शरीर के साथ है या भौतिक वस्तुओं के साथ ही है। इससे मुक्त जो चीजें हैं उसको मैं नहीं स्वीकार कर पा रहा। इसको स्वीकार करने के लिए एक प्रकार का विचारधारा, एक प्रकार का अभ्यास चाहिए। ये कर लेते हैं तो हम स्वीकार लेंगे। मेरा प्रश्न भैया जी ये है कि जब कोई भी परमाणु गठन पूर्ण होता है तो उसमें आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन ये तीनों बंधन से वो युक्त हो जाता है, ये आ जाते हैं तीनों। मतलब उसमें क्या होता है, ये तीनों होना मतलब क्या, ऐसा मैं थोड़ा समझना चाह रही हूँ। ये क्या मतलब, ये दूसरे से जुड़ना चाहता है, पहला। अच्छा। अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है वो, किसी दूसरे शरीर के साथ जुड़ना चाहता है। दूसरे शरीर के साथ जुड़ा तो चीजों को डिस्टर्ब करने लगता है। जैसे गाय के शरीर को जुएगा तो घास को खाएगा ना, है ना, किसी को मारेगा तो उसकी एक गतिविधि शुरू हो गई। वो कौन कर रहा है, वो जीवन ही कर रहा है। इस चीज का नाम है आशा बंधन, विचार बंधन। मनुष्य बनता है तो सोचता है दूसरे का गला दबा दूं, धरती पर बम फोड़ दूं, है ना, चंद्रमा को उठक पटक दूं, कुछ भी सोच रहा है। इसका नाम है आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा। इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए गए। पर ये जब मानव में हम देखते हैं या बाकी प्रकृति में भी हम देखते हैं कि सब एक निश्चित आचरण के साथ ही जन्म लेते हैं ना। जैसे मानव के पहले की जो अवस्थाएं हैं वो चाहे किसी भी शरीर में आए तो वो जो बंधन होते हैं वो उस शरीर, यदि वो गाय तो गाय का ही आचरण करेगा, तो उसकी जो इच्छा है, जो आशा है, विचार है, वो पूरे शरीर के रूप में ही नियंत्रित हो जाती है। ऐसा तो वो शरीर पे डिपेंडेंट है, वो जीवन परमाणु में नहीं है डिपेंडेंट कि उसकी आशा से वो चलेगा या उसके विचार से वो चलेगा, ऐसा नहीं है। वो जिस शरीर में जाएगा उस शरीर रूप के हिसाब से उसका आचरण निश्चित होगा, ऐसा। ऐसी तो फिर वो तो शरीर पे डिपेंडेंट हुआ, उस पे नहीं हुआ तो वो जीवन परमाणु में, वहाँ जीवन प्रमाणित नहीं होगा, वहाँ शरीर ही प्रमाणित होगा, वंश प्रमाणित होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं वंशानुषंगी। वहाँ वंश प्रमाणित हुआ, वंश प्रमाणित हुआ माने मेधस तंत्र में उसका सर्किट बना हुआ है, वो मेधस तंत्र प्रमाणित हुआ। प्राणावस्था में क्या प्रमाणित हुआ, उसका जो डीएनए है वो प्रमाणित हुआ जी। हाँ, बीज में जो डीएनए है वो प्रमाणित हुआ। इसमें क्या प्रमाणित हो रहा है, जीवावस्था में ब्रेन में जो खान पान रहन सहन पूरा जो वो ब्रेन में है वही प्रमाणित हो रहा है। मानव में आने के बाद ये इसमें से कुछ भी प्रमाणित नहीं हो रहा है, या फिर जीवन प्रमाणित होगा या फिर सब चीज को तोड़फोड़ करता रहेगा। हाँ, वही मैं अब उसी पे आ रही थी कि अब जब वो मानव शरीर में जा रहा है तो वही गठन पूर्ण परमाणु है जो मानव शरीर में आ रहा है, तो अब उसकी आशा विचार इच्छा जो है वो मानव शरीर के हिसाब से चलेगी। मतलब उसमें ब्रेन में डिपेंडेंट नहीं होगी, अब उसके डीएनए पे भी डिपेंडेंट नहीं होगी। हाँ। अब जीवन पे आएगी तो अब उसकी पूरी स्वतंत्रता या उसके कंप्लीटनेस के साथ वो एक्टिवेट हो रहा है या वर्कआउट कर रहा है, ऐसे समझ सकते। अब वो समझदारी के आधार पर प्रमाणित होगा, अब जीवन प्रमाणित होना शुरू हुआ। अच्छा, बाकी जगह अवसर ही नहीं था। अच्छा। मानव शरीर में ही अवसर है कि अपनी समझदारी को प्रमाणित करे। उस अवसर का नाम ही है शिक्षा, व्यवस्था। इस जगह पर वो प्रमाणित करता है अपने आप को। हम किसी को बोलते हैं बहुत समझदार है, किसी को बोलते हैं बहुत जंगली है, बहुत मूर्ख है, है ना? किस आधार पे, उसके व्यवस्था को नहीं पहचान पाया, बिगाड़ दिया तो हम कहते हैं कि जंगली है।
तो इसमें आशा विचार इच्छा में कंप्लीटनेस मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आप प्लीज। कंप्लीटनेस कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब गठन पूर्ण परमाणु आशा, आशा कहाँ तक या विचार वृत्ति के अनुसार होना। अच्छा। अभी आशा अपने आप चल रही है, वो वृत्ति के अनुसार हो जाए, वृत्ति चित्त के अनुसार हो जाए, चित्त बुद्धि के अनुसार हो जाए, ये है नियंत्रण। और इसी में अनुभव तक का रास्ता भी है, व्यवस्था भी बनता है, साथ साथ दोनों हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, बाहर की व्यवस्था भी बन रही है और जीवन में भी तृप्ति हो रही है। सामाजिक नियम का पालन करना, बौद्धिक नियम का पालन करना, प्राकृतिक नियम का पालन करना, कैसे? अनुकरण, अनुसरण, जिज्ञासा, अभ्यास पूर्वक करना, करना है कैसे भी करो। पर कल आप बोल रहे थे कि पढ़ने से नहीं होगा और वातावरण तो है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? ये क्वेश्चन पढ़ने से वही घूम रहा था कि ना, पढ़ने से पता चला कि ऐसा रहना पड़ेगा। स्वधन क्या है पता चला, स्वनारी स्वपुष क्या है पता चला, अब उसको अभ्यास करेंगे। मुझे लगता है कि स्वधन के लिए अधिक वातावरण है, परधन के लिए कम वातावरण है। आप सोच के देखो, या फिर आदमी स्वधन में जिएगा या परधन में जिएगा। स्वधन के लिए अधिक अनुकूलता है, परधन के लिए उससे कम है। सोनारी या स्वपुरुष के लिए अधिक अनुकूलता है, परनारी और परपुरुष के लिए उसके बहुत कम है। अनुकूलता है मान लिया, पर उससे बहुत ही कम है। ठीक है, दयापूर्ण कार्य के लिए अनुकूलता है, जैसे मैं आपके साथ करूंगा आप बोलेंगे हाँ करते रहो, जैसे परपीड़ा करूंगा आप बोलेंगे देखो मैं मार दूंगा, बिल्कुल नहीं करना, आज बोल दिया कल बिल्कुल नहीं बोलना। इनके लिए अनुकूलता नहीं है, ज्यादा प्रतिकूलता है। किसके लिए? परधन, परनारी, परपुरुष, परपीड़ा के लिए। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य के लिए बहुत अधिक अनुकूलता है। हम इसको उल्टा रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज में बड़ी प्रॉब्लम है यार, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से इसके लिए अधिक अनुकूलता है, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य के लिए अनुकूलता अधिक है, परधन, परनारी, परपुरुष, परपीड़ा के लिए कम अनुकूलता है। ये सब करने के लिए तो समाज सहयोग भी करता है, पर पीड़ा ये करेंगे तो समाज विरोध में चला जाता है। पूरा कानून बना हुआ है, उसको इतना मारना है, उसको इतना पीटना है, इतने साल की सजा देना है, वो सब लिखा हुआ है। भैया ये थोड़े भार बंधन, अनुबंधन और आशा बंधन को करते हैं ना, तो जैसे सूचना है कि जड़ में मध्यांश के साथ और भी अंश होते हैं जो प्रस्थापन विस्थापन के लिए कार्यरत रहते हैं, जिस वजह से वो अनुबंधन होते हैं, और चैतन्य में मध्यांश में एक ही है और वो सिर्फ बना के रखने के लिए, नियंत्रण के लिए है, तो उससे कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो उसमें कोई चेंज, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वो अंश है ही नहीं जो चाहिए थे, तो उसके कोई रिएक्ट भी नहीं हो रहा है किसी अदर इसके साथ, है ना, तो जलना, भीगना, डूबना, यही सब प्रोसेस चैतन्य में नहीं हो रही है, तो यही अनुबंधन से मुक्त बोले। हाँ और क्या, अणु नहीं बनाएगा, माने अनुबंधन से मुक्त, माने अणु नहीं बनाएगा। इसके और कोई लॉजिक आप जोड़ पाए अनुबंधन के लिए? नहीं, अकेला रह सकता है नहीं, अकेला ही रहेगा, किसी के साथ जुड़ेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो नहीं जुड़ेगा वो। गठन की तृप्ति हो गई है, बाकी सब क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उसकी गठन की तृप्ति नहीं हुई है, इसके लिए वो उधर दौड़ रहा है। भार बंधन का भैया क्या लॉजिक दे रहा है? कोई अनुबंधन ही भार बंधन है, वेट ही नहीं है उसमें, ऐसा कैसा मास है जिसमें वेट ही नहीं है? भार बंधन शब्द आपने बोला, भार बंधन माने भार बनना, एक अणु दूसरे अणु के साथ मिलके जो बनता है उसका नाम है भार बंधन। एक अणु में दूसरे अणु के साथ मिलके बड़े अणु बनाने की जो प्रवृत्ति है उसका नाम है भार बंधन।
बंधन नहीं है, बंधन बाध्यता। एक परमाणु अकेला नहीं रह सकता, दूसरे परमाणु के साथ मिलकर जो अणु बनाने की प्रवृत्ति है, बाध्यता है, इसका नाम है अणु बंधन। भार बंधन मतलब एक अणु दूसरे अणु के साथ मिलकर जो बनाएगा उसका नाम है भार बंधन। सिंपल बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम कह रहे हैं जीवन परमाणु अणुबंधन भार बंधन से मुक्त, मतलब किसी दूसरे के साथ जो बनाएगा। अनुबंधन और भार बंधन यहां एक ही अर्थ में बात हो रही है, अनुबंधन नहीं है माने भार बंधन होगा ही नहीं। तो वो अकेला रहेगा, अकेले का भी तो कुछ वेट होगा। वेट माने क्या? एक परमाणु दूसरे से जुड़ना चाहता है, वो जो ताकत है उसका नाम है वेट, जो अट्रैक्शन चुंबकीय। वो जुड़ना चाहता है, यदि जुड़ना ही नहीं चाहेगा तो आप कैसे वेट लोगे? इस चश्मे का वेट आप कैसे लेते हो? ये धरती से चिपकना चाह रहा है, आप इसको बीच में रोक लेते हो, किस तेजी से चिपक रहा है इसका वेट? परमाणु मास और वेट दो भिन्न चीजें, उसके अंदर जो परमाणु अंश है वो है उसका मास। मास हमेशा कांस्टेंट है, वेट जगह जगह बदलेगा। इसी चश्मे का वेट यहां अलग है, चंद्रमा में अलग है, इसी का मंगल में वेट अलग है। क्या वेट है? यहां जो दौड़ के जाके जाना चाहता है, तो इसके और ये जो धरती के बीच का एक तुलना है, इसको भार बंधन कर रहे हैं। इसी को गुरुत्वाकर्षण दूसरी जगह कर रहे हैं। जीवन परमाणु को नहीं खींच रहा है, जड़ को खींच रहा है। हर जड़ के साथ अनुबंधन भार बंधन लगाई हुआ है। अनुबंधन और भार बंधन अलग अलग नहीं है, अनुबंधन है तो भार बंधन होगा ही होगा, और अनुबंधन नहीं है तो भार बंधन होगा ही नहीं, दोनों एक ही चीज है। मास तो सब में इकाई है, माने मास है, तो मास का भी तो वेट रहेगा ही नहीं। परमाणु अंश होना माने मास होना, मात्रा, उसको बाबा जी मात्रा नाम दी है ना, हम फिजिक्स में अंग्रेजी भाषा में उसका नाम है मास। उसी को हम इस रूप में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे तो बोलेंगे संहति, मास को संहति कहते हैं। संहति और भार दो अलग अलग चीज है, बाबा जी उसको मात्रा बोले। मात्रा का मतलब है परमाणु अंशों को मात्रा कह रहे हैं, परमाणु अंश है उसमें माने मात्रा है, मात्रा है पर भार नहीं। उसको द्रव्यमान भी कहते हैं। वो जो परमाणु है वो तो है, गठनपूर्ण परमाणु का अस्तित्व है, पर अपने आप को वो प्रमाणित नहीं कर पा रहा है, खुद भी समझ नहीं पा रहा है कि मैं हूं। उसके लिए उसको कोई ना कोई शरीर चाहिए, उस शरीर के साथ जुड़ के उसको लगता है कि मैं हूं। गाय के शरीर में जुड़ जाता है तो लगता है मैं गाय हूं, खाता है पीता है घूमता है। ये तो लॉजिक नहीं हुआ भैया। क्यों? मतलब कुर्सी को लगेगा मैं हूं तो? कुर्सी को नहीं लगेगा ना, उस जीवन को लगता है कि मैं हूं को कैसे प्रमाणित करूं, तो उसके लिए शरीर पहले से बना है, उस शरीर को चलाता है।
उस समय तक लगता है कि मैं हूं, तभी अपने आप को हाथ को पैर को सबको बचाता है वो, नहीं तो बचाएगा भी नहीं, उसको अपना मान के बचाता है ना। भाई कोई खाने आता है उसको तो बचा के भागता है वो, भूख लगती है तो खाता है ताकि उसको बचाता है। अब उसको वो बनाए रखना चाहता है, ये जो बनाए रखना चाहता है यही है आशा बंधन, यही है जीने की आशा। कौन से अंश में ये जीने की आशा? सब मिलके है, बना के रखने का कार्यक्रम तो मध्यांश का है ना, अपने आप को बना के रखने का जो कार्यक्रम है वो मध्यांश का है, बाकी उसमें सहमत है नहीं तो नहीं बनेंगे ना। देखो सब मिलके एक प्रकार की चीज बनी, सब मिलके एक बना जीने की आशा, सब मिलके जीने की आशा बनी। किसी शरीर को चलाया, कोई हाथी को चला रहा है, उस हाथी के शरीर को बना के रखने के लिए खाना खा रहा है, उसके प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन कर रहा है, और कोई खतरा आ रहा है तो उसको बचा भी रहा है, अपने बच्चे को भी बचा रहा है, शेर को वो दौड़ा भी रहा है, ये पूरी प्रक्रिया उसके साथ हो रही है। ये हो गया जीने की आशा। वही गठन परमाणु भैया जी, जब मनुष्य शरीर में चलाने की इच्छा कब होती होगी, या उस तरह से तृप्ति नहीं मिलती है उसके बाद ही, ऐसा सोच सकते हैं? अभी थोड़े देर पहले हमने पढ़ा कि जीवावस्था में मन शरीर को नियंत्रित करता है, वृत्ति और चित्त उपेक्षित रहते हैं, उसी समय उस घटना को कहते हैं जीवनी क्रम। जीवन जब जीव अवस्था के शरीरों को चलाता है उसको कहते हैं जीवनी क्रम। इस जीवनी क्रम में एक समय उसमें विकसित होकर विचार और इच्छाएं विकसित हो जाती, करते करते विचार और इच्छा विकसित होने के बाद वो उस शरीर से व्यक्त अब नहीं हो पाता, उसको व्यक्त होने के लिए वैसा बड़ा वाला ब्रेन चाहिए जिसमें कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, उसके लिए वो ऐसे शरीर को चुनता है और ऐसे शरीर को चलाने लगता है। जैसे जैसे गठन पूर्ण परमाणु में ग्रोथ होती है तो उसी हिसाब से वो फिर शरीर का चयन कर सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं? वही, उसी को दूसरे प्रकार से लिखा है जीवनी क्रम। उसके बाद मानव शरीर को चलाने आता है, वहां से गिनती है जागृति क्रम। उसमें बहुत डिटेल में नहीं बताया कि पहले कुत्ते को चलाएगा, फिर घोड़े को चलाएगा, फिर शेर को चलाएगा, ऐसा नहीं कुछ डिटेल में लिखा है। जी ठीक बात। एक समय में मानव शरीर को चलाने आया, उसके बाद जागृति क्रम शुरू हुआ। हमारा जो अध्ययन का जो मुख्य फोकस है, जागृति क्रम में आए हैं हम, किसी जगह पर खड़े हैं, हमको कुछ करना है। भौतिकवादियों को परमाणु क्यों पढ़ना है, उसमें छेड़छाड़ करना है, डीएनए क्यों करना है, छेड़छाड़ करके कोई नई वैरायटी बनाना है, हमको क्यों पढ़ना है, व्यवस्था में कैसे है वो देखने के लिए, छेड़छाड़ करे बिना हम तृप्त हो सकते हैं, वो हमको मैसेज दिया जा रहा है बार बार, कुछ झंझट मत करो, बढ़िया तृप्त हो सकता है मानव जाति। उनका कहना है कि यहाँ तुम तृप्त नहीं हो सकते, अब मंगल में घर बनाओ। ठीक है ना, ये सब मर जाएंगे, ये सब लड़ने वाले हैं, यहाँ लड़ो, बच गए तो वहां लड़ो, फिर तीसरे ढूंढेंगे। उनका कार्यक्रम यही है, भागते रहो। भैया भारबंधन का एक और तर्क सुनते हैं कि उसमें मध्यांश में एक ही है और बाहर के जो अंश है वो घूर्णन गति से लिफ्ट करते हैं, ऐसा करके कुछ क्या करते उसके है? लिए कुछ स्पष्ट, घूर्णन गति से क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं, मध्यांश में एक ही उसका भार कुछ है नहीं, लिफ्ट करते हैं। हाँ लिफ्ट माने? माने उसका वेट बैलेंस करते हैं। भैया मेरे हिसाब से अनुबंधन और भारबंधन एक ही चीज है। अणु बनने का मतलब ही है कि वो बार बंधन से, और उसका कारण वो तृप्त नहीं हुआ है।
अभी साइंस को ये कल्पना ही नहीं है कि बाहर बिना कुछ हो सकता है। उन्होंने जो इनर्ट गैस को ढूंढा उसमें बाहर है, पहले दिन से बाहर है, तभी से इनर्ट गैस की कल्पना हुई है ना। मैंने अभी थोड़ी कहानी बताई छोटी सी, है ना, उसको एक बार नेट में जाके पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल में मिल जाएगा उसको आपको। तो भार है ही, भार के बिना कुछ होगा ही नहीं, वो कल्पना उनकी नहीं है। बाबा जी ने पहली बार वो कल्पना को रखा है कि बिना भार के कोई इकाइयां हो सकती। अब ये लोग बोल रहे हैं ऐसे जो परमाणु जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं कि मास कैरिंग पार्टिकल है, कुछ कुछ एनर्जी कैरिंग पार्टिकल है, उसमें मास नहीं है। कुछ मास कैरिंग पार्टिकल है उसमें एनर्जी नहीं है, वो दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसमें मास और एनर्जी दोनों आ जाते हैं। ये चल रहा है अभी, है ना, कुछ पॉपुलर हो चुके हैं अभी, कुछ पर बहस चल रही है। भैया ये जीने की आशा, मतलब आशा बंधन से युक्त होते हैं, इसको और थोड़ा बताइए ना। जीने की आशा माने किसी शरीर को जीने की आशा, तो ये आया कैसे उसमें, ये क्वेश्चन है उसमें। किसी परमाणु में वेट कहां से आया? अस्तित्व में वो प्रावधान है तब आया। हाइड्रोजन क्यों बना, ऑक्सीजन क्यों बना? भाई अस्तित्व में प्रावधान है इसलिए बना। कौन सा प्रावधान? यही कि ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, फास्फोरस होगा, ये सारे प्रावधान है, इतने पद हैं अस्तित्व में, वो बन रहे हैं, वो इसमें से एक पद ये भी है इसलिए बना है। और एक ही टाइम हो गया सब, भार बंधन आशा बंधन युक्त मुक्त? नहीं, भार बंधन से मुक्ति और आशा बंधन एक क्षण में हुआ। देखिए आप बहुत मिक्स करके बोल रहे हो, भार बंधन आशा बंधन नहीं होगा। यदि भार बंधन है तो आशा बंधन नहीं होगा, यदि आशा बंधन है तो वहां भार बंधन नहीं होगा उस इकाई में, है ना, आप मिक्स कर दे रहे हैं। अनुबंधन और भार बंधन एक साथ है, यदि अनुबंधन है तो भार बंधन होगा ही होगा, भार बंधन है तो अनुबंधन होगा ही होगा, इन दोनों में से एक भी है तो आशा बंधन नहीं होगा, आशा बंधन यदि है तो ये दोनों में से एक भी नहीं होगा। एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें भार बंधन नहीं है, अनुबंधन नहीं है, आशा बंधन है, उसमें भार नहीं है, ना भार है ना भार बंधन है, लेकिन उसमें मैटर है, मास है ना, द्रव्यमान है उसका, वो है इकाई के रूप में भी है, वो उसमें गति भी है, उसकी गति इससे ज्यादा है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें वर्तुल गति कम है, इसमें वर्तुल गति ज्यादा, ऐसा कंपन गति ज्यादा, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो मोटा मोटा कंक्लूजनली ऐसा सोचे कि हमारे पास इसका लॉजिक है, लेकिन भार बंधन सॉरी आशा बंधन से युक्त इसका लॉजिकली नहीं अपने पास, सिर्फ वो अस्तित्व में प्रावधान है, यही लॉजिक है। हर चीज का, किसी चीज का लॉजिक नहीं है, हर चीज का प्रावधान है। भाई हाइड्रोजन में दो अंश क्यों है, क्या लॉजिक है उसका? है इसका वेट इतना क्यों है? मान लो वो बोल रहे हैं कि लॉजिक से देख तो सकते हैं। नहीं नहीं, न्यूक्लियस क्यों है? है भाई, है ना, हर चीज है उसका क्या मतलब? मिट्टी क्यों है? है भाई, पेड़ क्यों है? क्यों है का मतलब हमको आगे और पीछे के कनेक्शन बताने पड़ेंगे, उसमें क्यों का उत्तर आता है। हाँ। है ना, अस्तित्व क्यों है इसका उत्तर नहीं होता है। अस्तित्व है उसमें ये चीज है, उसमें ये कनेक्शन है, ये अध्ययन की वस्तु है। अस्तित्व क्यों है भाई? हाइड्रोजन क्यों है? पानी क्यों है? पानी क्यों है? हाइड्रोजन है इसलिए पानी। अब इन्हीं दोनों को जोड़ के हम उत्तर देंगे ना भाई। हाइड्रोजन क्यों है? पानी बनने के लिए है बोलूंगा मैं। ऑक्सीजन क्यों है? पानी बनने के लिए। पानी क्यों बनना चाहिए? मैं बोलूंगा पेड़ पौधा बनने के लिए। पेड़ पौधा क्यों बनना है? क्योंकि मानव बनना है। मानव क्यों बनना है? मानव को प्रमाणित होना है। क्यों प्रमाणित होना है? जीवन को। हम इसी के अंदर उत्तर दे रहे हैं, एक स्थिति को लेके आगे स्थिति को दे रहे, आगे स्थिति को लेके, पर ये पूरी स्थिति क्यों है इसका उत्तर नहीं होता ना। ये है,
अस्तित्व में इकाइयां हैं, व्यापक है, तब आगे की बात हो रही है। तो अस्तित्व है पहले बात होगा, है में क्या क्या है बात होगी, कितना है बात होगी, उसके बाद जब क्यों जैसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब आगे की स्टेप को बोलेंगे। छोटे से बड़े स्टेप को जोड़ लिए, उसमें एक सूत्रता बन गई, मतलब आप समझ गए। कहीं नहीं एक सूत्रता बन रही है, नहीं समझे, है ना। इतने प्रकार के परमाणु क्यों हैं? माने मान लो नाइट्रोजन नहीं होता तो क्या होता, या यूरेनियम नहीं होता तो क्या होता, ये चर्चा करने की बात है क्या? नहीं होता बोलने से क्या होता है, तो टाइम पास है ना हमारा, भाई हो गया है, अब नहीं होता वाला क्या चर्चा करना है? मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं होगा क्या? मेरे चाहने से नहीं हुआ है, उनके होने से मेरा होना हुआ है, फिर चाहना हुआ है। मेरा चाहना उनसे डिपेंडेंट है, मेरे चाहने से वो डिपेंडेंट नहीं है ना। तो भाई गाय क्यों हुई, भैंस क्यों हुआ, कुत्ता क्यों हो गया, बिना कुत्ते के भी अस्तित्व हो सकता था, है ना, हो सकता था भाई, है ना। पर जहां हुआ है वहां कहीं पर शेर नहीं है, नहीं है भाई, कहीं पर है तो कैसा उससे निपटो होगा सोचना पड़ेगा ना। अमेरिका में या अफ्रीका में जगुआर होता है, एक इधर नहीं होता भाई, है ना। भारत में शेर भी होता है, माने लायन भी होता है, टाइगर भी होता है, चीता भी होता है, तेंदुआ भी होता है, बाकी जगह कहीं नहीं होता। दुनिया में कहीं नहीं है लायन और टाइगर एक साथ है, कहीं नहीं, यहाँ है। क्यों हो गया, हो गया भाई। भैया लेकिन अपना प्रश्न क्यों नहीं, कैसे का है, मतलब कैसे आशा बंधन से युक्त हो गया, ये क्वेश्चन। नहीं नहीं, कैसे नहीं है, आप क्यों ही पूछ रहे हो, उसको बदल दियो शब्द को। मतलब अभी वही कि हम थोड़ा गड़बड़ी में पूछते तो कम डिलीवर होता। नहीं भैया देखिए क्या है, अब अपने आप को व्यक्त करेगा तो एक सूत्र दे दिए कि पूरा अस्तित्व है तो व्यक्त है। भौतिकवादी पता नहीं क्या कहते हैं, आदर्शवादी कहते हैं कि व्यक्त नहीं है। बाबा जी ने कहा कि पूरा अस्तित्व है, व्यक्त है। व्यक्त है का मतलब वो दूसरे के साथ कुछ करेगा। व्यापक है, व्यापक को कौन व्यक्त करेगा, व्यापक को व्यक्त करेगा जागृत जीवन, नहीं तो अभी कौन व्यापक को बोल पा रहा है। बाबा जी के अलावा अभी तक तो कोई माइका लाल बोल नहीं पाया ना। कहां बोल रहा है वो, कहता है जीवन को कौन बोल पा रहा है। तो जीवन को बोलने वाला जागृत जीवन होगा, व्यापक को या इसको बोलने वाला जागृत जीवन होगा। तो जागृत जीवन इनको बताएगा, बाकी भ्रमित तो पेड़ को, पत्थर को, मिट्टी को बता दे रहा है, तोड़ मोड़ ले रहा है। जानवर बेचारा उतना भी तोड़ मोड़ नहीं पा रहा है। तो हर एक की अपनी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं से वो जीने में सक्षम है। इसमें मानव व्यवस्था में नहीं जी पा रहा है, उसमें जीने के लिए ज्ञान चाहिए। एक मानव जी रहा है, दूसरे की जान निकाल दे रहा है, इवन धरती की जान निकाल दिया उसने। तो ये समझ चाहिए कि भैया तुम भी फर्स्ट क्लास जी सकते हो, दूसरा भी जी सकता है, आने वाली पीढ़ियां भी जी सकती है, उस तरीके को सीखा जाए। अब लोग घूम फिर के बोल रहे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 15-20 साल पुराना शब्द है, इसके पहले ये शब्द नहीं था। तो लोग सोचने लगे, है ना, इसके पहले जरूरत ही नहीं थी। इसके पहले पॉल्यूशन होगा कोई सोचता था क्या? 100 साल पहले धरती बीमार होगी, धरती में पॉल्यूशन होगा, कोई नहीं सोचता था। अब पता चला होगा, परमाणु बम गिरने के बाद लोगों को पता चला, रे बाप रे, तो चाटो गिर गया तो चेन रिएक्शन हो जाएगा, पूरी धरती सूरज बन जाएगी। पहले कल्पना नहीं थी, ये कल्पना को आए हुए 100 साल है। तो मानव धीरे धीरे अस्तित्व के रहस्यों को पहचानता जा रहा है, खोलता जा रहा है। अभी यहां बैठे बैठे बोल देते हैं तो कोई तारे से लाइट आ रहा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, उसकी लाइट को देखते हैं, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम को देख के ये बता देते हैं बहुत आराम से, इसमें यही है, उन्होंने विधि बता ली, कहीं अब जाने की जरूरत नहीं है। पर स्पेक्ट्रम एनालिसिस तक पहुंचने के लिए उनको 200 साल लगे, है ना, हजारों एक्सपेरिमेंट किए, उसको प्रूव कर लिया।
ठीक है, हाइड्रोजन में तीन अंश या दो अंश या लिथियम में पांच अंश या तीन अंश क्यों है भाई, है छह क्यों नहीं है, इसका कोई उत्तर थोड़ी होता है, इसमें इतना ही होता है बेटा, इतना याद करो, ये बताया जाता है। तो भैया कैसे का तो बोल सकते ना आंसर, कैसे का वही है ना, आगे वाले से और पीछे वालों से यदि आप जोड़ दिए तो उत्तर हुआ। तो आशाबंधन को कैसे जोड़ेंगे आगे पीछे? मानव को जागृत होना है इसलिए कोई शरीर चाहिए, शरीर चाहने के लिए उसमें अंदर वो प्रवृत्ति चाहिए, उसका नाम है आशाबंधन। शरीर को जिंदा रखने की प्रवृत्ति चाहिए ना भाई, शरीर को जिंदा रखने की प्रवृत्ति का नाम ही है आशाबंधन। जैसे क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ये मेरे बोलने से बनाता है कि पहले से बनाता था भाई, ये पहले से बनाता था, क्यों बनाता है, इसका उत्तर ये कि प्रावधान है, इस यहां पर बना पाएगा, उसी क्लोरीन को और हाइड्रोजन को चंद्रमा में छोड़ दो कुछ नहीं बनेगा, यहां का वातावरण चाहिए वही बनेगा, कुछ चीजें यही बनेंगी ना, तो ये पूरा जिम्मेदार है, यहाँ का पूरा क्लाइमेट तो वो बन पाएगा, इसमें से कुछ बदलाव हो जाएगा तो नहीं बनेगा, तो इन सब का अपना एक स्वरूप, उस क्रम में धीरे धीरे ये सब चीजें बनी। और इस जीवन को बनने के लिए क्या चाहिए, मतलब आप जीवन बनने के लिए, जीवन बनने के लिए अस्तित्व, मतलब उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या है, उसकी prerequisites, ये सब। देखो भैया, जीवन बनने के लिए परमाणु अंश चाहिए, प्रावधान चाहिए, वो है, इसीलिए जरूरत होती तो बन जाते हैं। जैसे चांद में हाइड्रोजन नहीं बना, नाइट्रोजन नहीं बना, लिथियम नहीं बना, नहीं बना, यहाँ बन गया, यही है ना, क्यों नहीं बना, वहां जरूरत नहीं है समझो, यहाँ जरूरत है। इसका उत्तर कैसे दोगे, सूरज में क्यों नहीं बना, इसका नाम है अस्तित्व में बहुत सारी स्थितियां हैं, एक स्थिति यहां पर है, दूसरी स्थिति वहां है, तीसरी स्थिति, अरबों स्थितियां हैं, यदि आप उस क्रम में सजाने जाएंगे धरतियों को तो अरबों कॉम्बिनेशन निकलेंगे, एक दूसरे से भिन्न ही मिलेगा, और उसको देख के करना क्या है, अभी तक दूसरी धरती नहीं मिली, अभी इन्होंने लाखों ग्रहों को छान लिया, कहीं भी दूसरा पृथ्वी नहीं मिला जहां प्राण अवस्था हो, पानी ही नहीं मिला है, वो अभी बड़े परेशान है, पानी मिलने के बाद प्राण अवस्था, उसके बाद जीवावस्था, उसके बाद अभी कुछ नहीं मिला है, करोड़ों अरब लाखों को तो ढूंढ लिए, अब सोचो ना, यदि है भी तो कितने वर्षों दूर होगा, आंखों से ये दिख नहीं सकता, पता है ना, हमको अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है इसमें हमारा यान को सोलर सिस्टम से निकलने के लिए 45 या 50 साल चाहिए, मतलब आज यदि मैं छोड़ूं यान तो मेरे पोते को उसका रीडिंग मिलेगा कि बाहर निकल गया, मैं मर चुका हूं, मैं पोते को बोल के चला जाऊंगा कि भैया मैं छोड़ रहा हूं, देखना जब तू 25-50 साल का होगा ना तो एक मैसेज आएगा, इस मैसेज का मीनिंग ये होगा, इतना ही होगा ना, और क्या होगा, और कोई उपाय ही नहीं है, केवल धरती से बाहर गया है, मतलब इस सोलर सिस्टम से बाहर जाने में इतना साल लगेगा, सोलर सिस्टम के बाहर जाके दूसरे किसी सोलर सिस्टम में जाके कोई ग्रह तक जाएगा तो हो सकता है वो 500 साल का हो, अभी कुछ पता ही नहीं है अभी हमको, तो ये क्या है, एक पीढ़ी कुछ कार्यक्रम करेगी, वो तीन पीढ़ी के बाद तो पता चलेगा हाँ है, अब उसके बाद वो शंका करेगा, यार हमारे दादाजी ने जो जो उपग्रह भेजा था ना वही गलत भेजा था यार, क्या उनका दिमाग था पता नहीं, अब उसको डाउट हो गया तो उस डेटा को भी नहीं मानेगा, जाओ। अभी मानव ज्योति 2000 साल
कि अच्छी मेहनत के बाद एक भेज पा रहा है, उसको भी हमारा पोता नहीं मान रहा है, बोलता है हमारा दादा बेकूफ था, क्या करोगे? ऐसे है ना। तो ज्ञान की परंपरा का मतलब ही यह है कि हमने ऊपर वाली पीढ़ी को माना। एक भी आदमी परमाणु नहीं देखा है लेकिन मानता है कि परमाणु होता है ना। मैं माउंट एवरेस्ट नहीं गया, न जा पाऊंगा, लेकिन मैं मान लिया हूं कि माउंट एवरेस्ट है, ये झूठ नहीं बोल रहे। मैं चांद नहीं गया, चांद में ये है मैंने मान लिया है। मैंने चांद के चट्टान का फोटो भी नहीं देखा है, मैंने मान लिया चट्टान है, ये सच बोल रहे। तो हमारा 99.99% जो है मान के है। धरती का जो क्रस्ट है वो इतना गहरा है, उसमें ये चीज है, कौन ढूंढता रहेगा? नहीं, ढूंढने के लिए उतने झंझट करो और आखिर वही उत्तर मिलेगा। तो ये सब चीजों को परंपरा विधि से आदमी स्वीकारता है, हर व्यक्ति इन चीजों को नहीं स्वीकार सकता। पृथ्वी गोल है या 365 दिन का दिन और रात होता है, कौन गणित किया है? कौन यहां पर बैठा हुआ कौन किया है? कोई नहीं किया। कभी किसी ने किया गणित, कुछ लोग पीछे पड़े, कुछ लोग की एक टीम पड़े, उन्होंने मान लिया, चल हमने भी मान लिया। चंद्रमा 28 दिन में एक चक्कर लगाता है, मान लिया, पता ही नहीं चलता है। अब थोड़ा ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा चंद्रमा का, क्योंकि हर महीने में एक बार आ रहा है, आप 2-3 रीडिंग ले सकते हो। पर शुक्र जुपिटर में इतने सारे चंद्रमा है, वो कौन गिनेगा यार? इतना बड़ा दूरबीन लो, ये चंद्रमा आपस में घूमते हैं, उनमें ग्रहण होता है, ये कौन देखेगा? तो ये बहुत सारे फिनोमिना है, उसके लिए आपका एक विधि है, आप एस्ट्रोनॉमी लो, उसको पढ़ो, 15 साल पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। ज्यादातर थ्योरी कोई आपको टेलीस्कोप मिलेगा ही नहीं देखने, कहाँ टेलीस्कोप है, पता है ना कहाँ लगा हुआ है ही नहीं। उस लेवल को देखने के लिए टेलीस्कोप कहीं भी नहीं लगा है, और यदि लगाए तो घुसने नहीं मिलेगा वहां पे। मैं एक बार DRDO ग्वालियर गया परमाणु देखूंगा सोच के। DRDO माने भारत का सबसे बड़ा लैब उनके पास होता है। डायरेक्टर से परिचान हमारे मित्र हैं, उन्होंने सब पहचान कराया, गया तो हम सबसे बड़े साइंटिस्ट के पास मिलने गए। तो साइंटिस्ट ने हमको कुछ फंडा दिया, उसके बाद उसका फंडा सुनते ही मेरा दिमाग शून्य हो गया। मैंने बोला इनसे बात करने के लिए मेरे को कम से कम MSc लेवल का फिजिक्स पढ़ के इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो इनका मैं समय खराब कर रहा हूँ। तो मैं बोला कि देखो मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं इतना समझ पाऊँ, परमाणु देखना चाहता हूँ, वो जो एक टेलीस्कोप होता है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, उससे बोल दिया। किसी दूसरे उनके जो असिस्टेंट थे वहां गया, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे फोटो दिखाए, नैनो पार्टिकल देखना था बेसिकली मेरे को, तो सरसों का ढेर का फोटो लेके रखे हैं ऐसा लगता है मेरे को, बहुत सारे। बोले ये तो फोटो है, बोले हाँ माइक्रोस्कोप से देखना है, तो बोले उसमें भी ऐसे ही दिखेगा, और उसमें से जो सबसे बढ़िया वाला फोटो है वो ये। और कुछ नहीं दिखा उसमें, वही सरसों का ढेर दिखता है, सरसों के ढेर से पता लगाना कि ये नैनो है कि क्या है। तो आंख से कुछ नहीं दिखता है, जो समझ होती है उससे देखते हैं। तो भैया सत्र का समय हो चुका है, फिर मिलते हैं, ठीक है सत्र।